नॉनस्टॉप एंटरटेनमेंट के लिए सब्सक्राइब करें शिमारू चैनल्स। बचपन से लोगों ने मुझे ए छोरे, ए लड़के, ए बच्चे कह के पुकारा। ये इस बात का सिग्नल था कि मैं अनाथ हूँ। तभी मेरी लाइफ में मिसेस गुडिनो आई और उन्होंने प्यार से मेरे सर पे हाथ फेरा, और ये इस बात का सिग्नल था कि अब मैं इस दुनिया में अकेला नहीं हूँ। उन्होंने मुझसे एक बहुत अच्छी बात कही कि राजू माय सन, लाइफ में दूसरों के लिए इतना करना कि कभी कम ना पड़े। मिसेस गुडिनो ने मुझे म्यूज़िक सिखाया और वो ये चाहती थी कि एक दिन मैं बहुत बड़ा सिंगर बनूँ। जब मैं जवान हुआ तो मेरे सपनों में कोई आने लगा, मेरी ड्रीम का। ये इस बात का सिग्नल था कि कोई है जो सिर्फ मेरे लिए बनी है। पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लगता है कि मुंबई वो शहर है जहाँ पे मेरी ड्रीम गर्ल और मेरा करियर दोनों मेरा इंतज़ार कर रहे हैं। आप ये सोच रहे होंगे कि सिग्नल क्या है। मिसेस गुडिनो हमेशा कहती हैं कि ऊपर वाला हमें जगह जगह सिग्नल दिखाता है, बस हम ही नहीं देख पाते। बचपन से मुझे बॉडी बिल्डिंग का शौक रहा है, इसलिए मैं शराब और सिगरेट से दूर रहता हूँ। अगर कभी कभार कुछ पी लेता हूँ तो एक गर्म चाय की प्याली। हर हम
वापस आऊं वो दरवाजा खोले, लेके मुझको बाहों में, लव यू डार्लिंग बोले, सच के मेरे सामने आए, सारे दिन की थकन मिटाए। अदा निराली हो वो मेरी घरवाली हो, चाहे गोरी हो या काली हो, सीने से लगाने वाली हो, मिल जाए तो मिट जाए हर गम। एक गरम चाय की प्याली हो, कोई उसको पिलाने वाली हो, चाहे गोरी हो या काली हो, सीने से लगाने वाली हो, मिल जाए तो मिट जाए हर गम। मुंबई जाने का सिग्नल, मुंबई हियर आई कम। ए राजा, ए आबा, आजा 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 जा मेरे यार, अरे आ जा। अबे कैसा है तू? बहुत खुश हूँ यार, आखिरकार तुझे बंबई आने का ग्रीन सिग्नल मिल ही गया। मिसेस ग्रीन ने मुझसे ये कहा है कि यहाँ पे तुझे जिंदगी मिलेगी और जिंदगी बनेगी 100%। अरे देखना, चंद दिनों में तू यहाँ का सुपरस्टार बन जाएगा और तेरी ड्रीम गर्ल भी मिलेगी। अच्छा ये बता, तेरा मामू कैसा है? मामू का नाम मत ले यार। क्यों? वो कंजूस मक्खी चूस, उससे तो अच्छा ऊपर वाला लावारिस पैदा करे, अनाज पैदा करे, लेकिन ऐसा मामू ना दे। मैं तो ये सोच रहा था तेरे साथ, तेरे मामू क्या रहूंगा यार। अरे मेरा मामू मुझे नहीं रखता, तेरे को क्या रखेगा? क्या? हाँ? तो फिर तू क्या काम करता है? तू रहता कहाँ है? अरे भाई मैं काम मामू की जूस की दुकान में ही करता हूँ, लेकिन रहता अपने घर में हूँ। क्या? हाँ? अपना घर? वो भी मुंबई शहर में। कैसा लगा, मजा आया? वैसे ये सब है क्या? देख भाई, अल्लाह का दिया हुआ कुछ भी नहीं अपने पास, जो भी है वो BST ने दिया है, म्यूनिसिपैलिटी ने दिया है, मुंबई शहर ने दिया है सब कुछ। बड़ी महंगी महंगी चीजें दी है तुझे मुंबई शहर ने। अरे ईमानदारी से चोरी कर करके बनाया है भाई। अच्छा वैसे तू उसको बुलाता क्या है? घर? घर? देख भाई, फुटपाथ पे रहने से तो अच्छा है ना। एक्सक्यूज मी, अगर यहाँ पे छत और दीवारें नहीं होती तब भी फुटपाथ से बदतर ही होता। देख प्यारे, जिस तरह पानी भरना नहाने की बात नहीं है, उसी तरह घर को बुरा कहना अच्छी बात नहीं है। इस शहर में रहना बहुत मुश्किल है, धीरे धीरे सब समझ में आ जाएगा। वो तो मैं पहले ही समझ गया था, ये शहर में मुझे सब कुछ मिलेगा। आबा बोल, मुझे ये बता कि इस मुंबई शहर में पहला स्टेप क्या होना चाहिए? वेरी सिंपल, तुझे एक बाइक खरीदनी पड़ेगी। बाइक का मेरे गाने के साथ क्या ताल्लुक? मुंबई शहर दिखावे का शहर है, यहाँ जिसके पास गाड़ी हो उसकी गाड़ी फटाफट चलती है। लेकिन पैसे भी तो चाहिए ना बाइक खरीदने के लिए। हाँ पैसे चाहिए, उसके लिए मैं रिजर्व बैंक का लॉकर खोलता हूँ ना। खोल, जल्दी खोल। ये रहे, हियर आई मनी प्रेजेंट काउंट। कितने? तू खुद के मैंने याद लगा था। 500 है, पूरे 500। फिक्स डिपॉजिट भी तोड़। एक मिनट, ये ले, ये भी पूरे 500 है, 500 हजार। लेकिन हजार रुपये में बाइक कहाँ से आएगी? बाबा चेक फाड़ के खाता ही तो खोलना है। अरे हाँ वही पुराना सिंसिना की बुबलाबू खा पी के उड़न चू। हाँ ये एडवांस चेकबुक तो आपने साइन करके दे दिए, अब ये फाइनल फॉर्मेलिटीज, ये पेपर साइन कीजिए और आपका यमा ले जाइए। कमान बच्चा साइन, कमान साइन। साइन साइन
साइन मेरे साइन करने से तकलीफ किसको हो रही है? मालूम नहीं मैं इधर नहीं उधर। अबा चार आदमी मिलके एक आदमी को मार रहे हैं। ए डिगा कहता हूँ मेस का है। सॉरी 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 पर जिसका चेक बाउंस होता है ना उसकी ऐसा ही पिटाई होती है। ये क्या है कि ये फाइनेंस कंपनी के आदमी है, पैसा वसूल करने का उनका अपना एक स्टाइल होता है ना। ऐसा खतरनाक स्टाइल? अभी क्या हुआ कि 36 में से 35 चेक पास हो गया, लास्ट वाला बाउंस हो गया। भला क्यों? क्या बात कर रहा है, एक चेक बाउंस हो गया तो इतने फटके मारते हैं? हाँ मारते हैं, लेकिन तुमको इसमें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि आप लोग तो शक्ल से कितने खानदानी लगते हैं। हम लोग हमारा चेक तो क्या, हमारा कैश भी बाउंस होता है। मतलब नहीं होता नहीं होता क्योंकि होता नहीं है। या, या, या। आओ ए मेरा पेन। ए आ अबे उल्टा क्यों बैठा है? अबे ये मुंबई है, यहाँ कब कौन किधर से ठोक के जावे पता थोड़ी चलता है। तू आगे संभाल, मैं पीछे देखता हूँ। लेट्स गो। तो संभाल। अबे रुक 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 रुक, अपना स्टूडियो आ गया। रुक राम साहब आजा आजा आजा। देखा ये तो अपन यामा पे आए थे इसलिए गार्ड ने सलाम मारा, वरना कोई पूछता भी नहीं। बहुत बड़ा स्टूडियो है ये। मैडम आपकी कंपनी में एक भी आर्टिस्ट दिखता नहीं। देखिए बिना अपॉइंटमेंट के नहीं। क्या अब्दुल भाई खाली हाथ जूस नहीं लाए? अरे आज जूस नहीं लाया, सिंगर लाया हूँ। सिंगर मेरा दोस्त गोवा से है राजू। क्या सिंगर है, मिश्रा जी है? हाँ है। तो ये सूट पकड़ो, हम लोग जरा अंदर चलते। ए माटी मिले, 10 साल से मैं जूतियाँ चटखा रहा हूँ, अभी तक मेरे दर्शन हुए नहीं कंपनी के ओनर से, और तुम दोनों आते ही सीधा फ्री में हाथ पांव तोड़ने। अबे ओए हड्डी की दुकान, ये सांस लेगा तो नाक पे अटक जाएगा तू। अरे भाई सांस मत लेना, तुम लोग अंदर जाओ, अंदर जाओ। चलो सांस मत लेना, जाओ। तुम्हारा क्या प्रॉब्लम है? वो दोनों लोग अंदर गए, मैं भी जाऊंगा। नहीं जाने दूंगा, जबरदस्ती जाऊंगा। अंदर जाकर क्या करोगे? क्या करूंगा भैया, मैं काहे को है भैया? पता पूछने बताइए ना। बार 80 नंबर की बस पकड़ लेना, लास्ट बस स्टॉप पे उतर जाना, सामने घर है। शुक्रिया भैया, 80 नंबर की बस। हाँ 80 नंबर की बस। भुलक्कड़ आदमी है, हर बार गाना गाने आता है और गाना भूल जाता है और अपना पता पूछकर चले जाता है 10 साल से। फैंटास्टिक मिश्रा जी, मैं बोला था ना वो मेरा दोस्त बहुत अच्छा गाता है, वो आया है। अगर आप एक मौका दे देंगे तो उसकी जिंदगी बन जाएगी सर। फैंटास्टिक, यहाँ पर जो सिंगर आता है वो यही कहता है कि मैं बहुत अच्छा गाता हूँ, कोई कहता है कि मैं खराब गाता हूँ? फैंटास्टिक। नहीं अरे भाई वो सोनू निगम कब आएगा? सर आता ही होगा। तुका गुता स्वाई हाँ तुका प्रीत करता, ओ ये तुका गुता स्वाई हाँ तुका प्रीत करता, ओ ये So just give me one chance and I'll do anything for you. Promise. Oh yeah, 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 yeah. Oh yeah, 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 yeah. Oh, 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 क्या गाते हो तुम भाई, कमाल है कमाल है। बन गए तुम टॉप के सिंगर। फैंटास्टिक। सर मैं बन जाऊंगा सिंगर? बन जाऊंगा? फैंटास्टिक। अरे भैया उदित नारायण को किसने बनाया? मैंने। कुमार सानू को किसने बनाया? आपने। मैंने। मोहम्मद रफी उनको भी? अरे नहीं उनको नहीं, उन्होंने मुझे बनाया। अब एक काम करो, फौरन अपने गाने का कैसेट रिकॉर्ड करके मेरे पास ले आओ। फैंटास्टिक। लेकिन सर म्यूजिक कंपनी रिकॉर्ड करती ना गानों को। फैंटास्टिक, मैं समझाता हूँ। भाई मैंने तो तुम्हारे गाने को सुन लिया, मगर मेरी कंपनी के मालिक महेश हीरवानी को गाना कौन सुनाएगा? तो उनको सुनाने के लिए आप लोगों का रिकॉर्डेड गाना चाहिए ना। तो साहब वो अपन रिकॉर्ड कर दे कैसेट पे, तो उसका खर्चा कितना आएगा? फैंटास्टिक, 1.5 लाख रुपया।
1.5 लाख 2 लाख भी आ सकता। 2 लाख? अरे भैया, गले में सरस्वती है तो जेब में लक्ष्मी भी तो आएगी ना। 2 लाख रुपया इकट्ठा करना जेब टटोलने की बात नहीं है। सिर्फ 2 लाख रुपए की वजह से मेरा करियर रह जाएगा। अरे जेब में 2 लीटर पेट्रोल डालने के लिए पैसे नहीं है और जमा करने 2 लाख रुपए, बस अब मैं और धक्का नहीं मार सकता। जा अपने मामू के पास से पेट्रोल के पैसे तो लेके। हाँ जाता हूँ मामू के पास, वैसे भी वो मेरे पे तड़का होगा कि अभी तक दुकान पे क्यों नहीं पहुँचा। उसके बाद से मैं पैसे लेकर आता हूँ, अपन पेट्रोल डालते हैं। तू ये बस स्टॉप, अरे इधर बस स्टॉप था, ये दुकान कौन बना दिया? ए टोपी, ये दुकान कौन बना दिया? भाई साहब ये बस स्टॉप ही है, एक्सएम कंपनी ने पक्का बनाने को दिया है। अच्छा बस स्टॉप है? यार कमाल बस स्टॉप है लेकिन एकदम दुकान जैसा लगता है। बोल बाबा, दुकान ही है। अरे ये बस स्टॉप है? दुकान है। अरे बस स्टॉप है, जरा गौर से देख, तेरे मामू की नई दुकान है। क्या बात है, बड़ा खुश नजर आ रहा, कोई लड़की पट गई ब्याज काट के? नहीं मामू। इतना लेट क्यों आया, कुत्ता कहेगा ब्याज काट के? मामू लेट कहाँ हुआ, थोड़ी देरी हो गई। लेकिन आप ये छिलके क्यों खा रहे हो? छिलके समझाता हूँ, ये है मुसम्मी, इसका जो रस है वो असल है, इसका जो छिलका है वो सूद है, और तू अच्छी तरह से जानता है कि मैं सूद नहीं छोड़ता ब्याज काट के। अरे मामू, ऊपर वाले की दुआ से इतना ब्याज खाया, आप खाना तो अच्छा खाओ, कम से कम प्याज काट के। ये तो ऊपर वाले मालिक की मेहरबानी है कि आज मैं मौसमी के, संतरे के, चीकू के छिलके खा रहा हूँ। जब मैं पहली मरतबा मुंबई में आया था, मैं गन्ने का रस बेचता था, 2 साल गन्ने के छिलके खा कर काटे है मैंने ब्याज काट के। अच्छा हुआ मामू आप नारियल नहीं बेचते। लंच के बाद आए हैं आप, आपकी आधी पगार कट ब्याज काट के। अरे मामू ऐसी खबर लाया हूँ, मेरा एक दोस्त है गोवा से आया है, अपनी दुकान बेच रहा है। बेच रहा है ना, फ्री में तो नहीं दे रहा ना ब्याज काट के? अरे मामू फ्री के भाव में ही दे रहा है। आप मेरे को बोलो, बांद्रा में कार्टर रोड पर 20x10 की जगह कम से कम कितने में बिकेगी? 15-20 लाख में ब्याज काट के। और ये दे रहा है 2 लाख में? 2 लाख में भांजे, ये इतनी सस्ती दुकान क्यों बेच रहा है ब्याज काट के? अरे वो बेचारा गोवा का है, मुंबई के भाव का उसको क्या पता, इसलिए दे रहा है गोवा के हिसाब से ब्याज काट के। ये दुकान मैं खरीदूंगा ब्याज काट के, ये दुकान मैं खरीदूंगा ब्याज। भांजे ये तेरा दोस्त किधर है ब्याज काट के? अरे वहीं बैठा है, बुलाओ। नहीं, मत बुलाना मत बुलाना, वहीं बिठा कर रखना उसे ब्याज काट के। मैं उसके लिए जूस लेकर आता हूँ बिना पानी के ब्याज काट के। जा मेरे भांजू, ब्याज काट के भांजू। ब्याज खोर मामू तैयार हो गया, 2 का 20 देने को तैयार है। बोल मांगता है क्या? दे दे, अपने को 2 की जरूरत है, 2 ही लेंगे अपन। अच्छा बाबा, मेरे नसीबों का ब्याज काट के। मामू ये राजू, ये मेरे मामू, इनकी तारीफ जितनी कम करो उतनी ज्यादा है। मेरा भांजा, बैठो बैठ बैठ, ये जूस पियो, जो सा मुंह में आता वो जूस पियो, आकर तो मेरे भांजे के दोस्त हो ना ब्याज काट के, सब पी ले। मेरा भांजा बता रहा था तुम थोड़ी तकलीफ में हो, तुम्हें दुकान बेचनी है, चिंता मत करना, जब तक मैं हूँ तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होगी, मैं खरीदूंगा ब्याज काट के। नहीं नहीं मामा जी, इसकी फिक्र नहीं करना, क्योंकि आज एक आदमी आया था, उसे सौदा करने की बात कर रहे हैं, वो हो जाए चल रहा, लेकिन सौदा नहीं हुआ। बात हुई थी, सिर्फ बात सौदा नहीं हुआ। नहीं, क्यों नहीं सौदा हुआ? क्योंकि वो चेक दे रहा था, हमें कैश की जरूरत है, कल जा रहे गोवा, इसलिए रोकड़ा चाहिए ना इसको। अच्छा जमाना बड़ा खराब है, कैश ही लेना चाहिए ब्याज काट के। मैं देता हूँ ना कैश, आओ मेरे साथ ब्याज काट के। ग्रेट, अरे इनकी जितनी कम तारीफ करो उतना ज्यादा है। 2 लाख ब्याज काट के। 2 लाख या 2 कलिंगर क्या है? जमाना बड़ा खराब है, छुपा के रखना पड़ता है फ्रूट की कमाई, फ्रूट में ब्याज काट के। इसको खोलो, टन टन। अरे वाह मामू, पहले मालूम होता तो। क्या? कल मैं दुकान खोलूंगा और पहला जूस तुमको पिलाऊंगा प्याज काट के। बन गया मामू, बन गया दुकान, बन गया मामू तेरा दुकान बन गया। ये इतना अच्छा क्यों ब्याज काट के? नहीं वो खुश हो रहा है, उसको गोवा जाना है ना तो बहुत खुश हो रहा है ना। अरे कमाल हो गया प्यारे, मिल गया माल, बनेगी कैसे धमाल, और तू हो जाएगा सुपरस्टार। Hey, ऐसा
सत्रह अठारह सालों में कोई आए जाए मेरे ख्यालों में ऐसा पहली बार हुआ है सत्रह अठारह सालों में ऐसा पहली बार हुआ है सत्रह अठारह सालों में कोई अरे कोई आए जाए मेरे ख्यालों में ऐसा पहली बार हुआ है सत्रह अठारह सालों में सपना देखना बंद कर तू बहुत बड़ा स्टार है वो तो ऐसे ही नाच रहा है पब्लिक लड़कियां देख के ताली मार रही है तू तो बहुत बड़ा स्टार बनेगा मालूम है ये 2 लाख का कैसेट है 2 लाख का म्यूजिक कंपनी का मालिक सुनेगा ना
तो खुद फंटास्टिक हो जाएगा। कम ऑन, एक बार मिश्रा जी की कृपा से तू स्टार बन जा, फिर वो मामा को तो मैं बराबर दिखा दूंगा। कैसे हो? ठीक हूं। क्यों मुंह लटका है खड़े हो भाई? मिश्रा जी कहाँ हैं? ऊपर। ऊपर नया फ्लोर खोला है क्या? नहीं, मेरा मतलब है उनका देहांत हो गया। छोड़ के नहीं जा सकते। अरे इनके मरने की उम्र ही नहीं थी। अरे 10-15 दिन बाद मरते तो कौन सी मौत आ जाती मिश्रा जी। राजू, मुझे ही मरना है, मुझे ऊपर उठा ले, ऊपर वाले। आप बोल। वो देख, म्यूजिक ग्रामोफोन कंपनी के मालिक महेश शेरवानी, उधर देख। अरे जाके देखो ना एम्बुलेंस आया कि नहीं, जाओ। उठ जा, जल्दी उठ जा। ठीक है ठीक है ठीक है, हो गया भाई जी। मर गया और क्या हो गया? आपको मालूम मरने से पहले मिश्रा जी की ख्वाहिश क्या थी? हाँ, कि हमारे कंपनी का नाम सबसे ऊपर रहे। हाँ, कि हमारा कंपनी को हमेशा फाइनेंस मिलता रहे, यही ना? ये भी नहीं। अरे तो फिर क्या बोला था? क्या? अरे क्या बरबरा था ये? मिश्रा जी इसको टॉप का सिंगर बनाना चाहते थे। क्या? अरे यार तुम आजकल का सगड़े लोग, हटो। अरे कहाँ से घुसा है? ले जाओ उसको, ले जाओ, चलो। पता नहीं किधर किधर से आ जाता है सिंगर बनने को। अरे जाओ जाओ, चढ़िया को लेके जाओ, चल बाहर निकल, चल निकल। अंदर जा अंदर जा यार, रोने में थकान हो जाती है। हाँ यार, क्या बात, ये लोग अपना बाइक का नंबर क्यों नोट कर रहे? लगता है नो पार्किंग में पार्क कर दी। लेकिन यार ट्रैफिक पुलिस ने सलवार कमीज कब से पहनना शुरू कर दिया? कहीं ये पुलिस के भाई लोग तो नहीं? नहीं नहीं, मेरे को तो लगता है, मेरे को तो लगता है ये वो भाई है, वो अपना पहला चेक बाउंस हो गया। जानी पट, मैं निकलता हूँ कुछ बाउंसर। अब बाइक देखने से क्या फायदा? क्या मतलब? अरे इस पर बैठने वाला तो ऊपर पहुंच गया। क्या मतलब? अरे क्या मतलब क्या, मर गया, उसका बॉडी अंदर पड़ा है। ये अपन तो मुर्दे से भी वसूली करना जानता है क्या? चलो आओ रे। ये अय माफ, बैक बैक बैक। और बार बाजार तेरा लाख लाख शुक्र। वाह, दुकान खुलते ही जूस पीने वालों की लाइन लग गई। ये होता है मेन रोड पे दुकान खोलने का फायदा ब्याज काट के। ऊपर वाले तेरा लाख लाख शुक्र है, यूं भी लाइन लगा कर रखना ब्याज काट के। ऊपर वाले मालिक और ग्राहक और ग्राहक और ग्राहक। कहाँ चलेगा सब? ओ लगता है जूस की दुकान को बस स्टॉप समझ लिया ब्याज काट के। लगता भूचाल आ रहा ब्याज काट के। बचाओ बचाओ, चालू तो सब ठीक है, फिर मेरी दुकान में भूचाल क्यों ब्याज काट के? जूस निकालता हूँ, उसने मेरी दुकान का जूस निकाल दिया प्याज खा के। अबे किसने बोला था बस स्टॉप पे फ्रूट जूस की दुकान खोलने के लिए? हाँ? ये बस स्टॉप है प्याज काट के। नहीं, ये रेलवे स्टेशन है, यहाँ पे ट्रेन आएगी। अबे तू पागल हो गया क्या? हाँ, मैं पागल हो गया, मैं पागल हो गया, मैं पागल। मेरा 2 लाख का नुकसान हो गया ब्याज काट के, मेरी फल की दुकान थी कचरे की दुकान होगी ब्याज काट के। अरे रुको इंस्पेक्टर, पकड़ो इसको, इसने बेची मुझे दुकान 2 लाख में। अरे मत दो इंस्पेक्टर, इस ऑटो वाले ने बेची मेरे को दुकान। इसको चाबा क्या है? अबा तेरे मामा और अबा पुलिस। अबे किसने बेची? अरे अरे बाप रे, इसने बेची ब्याज काट के। पकड़ो इसको, इसने बेची ब्याज काट के। ये सारा मेरे को क्या होल्ड दस पकड़ो इसको, छोड़। अरे भाई साहब आप जाइए, ये हर आदमी को यही बोल रहा है। अरे कौन है ये? अरे आप जाइए, मैं चिल्ला क्यों रहा हूं? चले बस को इसको, चले बस को। ये मैंने क्या कर दिया ब्याज काट के? मुझे 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 माफ कर दो, मुझे माफ। उसको
के कौन सा अबा, मेरी किस्मत ही खराब है यार। 2 लाख रुपए भी गए और स्टार भी ना बन पाया, ना ड्रीम पूरा हुआ ना ड्रीम गर्ल मिली। ऊपर वाला हमें जगह जगह सिग्नल दिखाते रहता है, हम ही बेवकूफ है जो नहीं समझ पाते। अब देखना यार मिश्रा जी की डेथ, ये सिग्नल इस बात का है कि मैं रॉन्ग एंट्री में घुसाया। मिसेस कुरीना गोवा में है, मैं उनके पास चला जाता हूँ। क्या, मेरी जिंदगी बर्बाद करके तू गोवा जा रहा है मिसेस कुरीना के पास? जा, अच्छा भला बुरा वक्त चल रहा था तूने बर्बाद कर दिया। वो आ गया तेरा सिग्नल, जा गोवा। देखा बा, तूने मेरा बहुत साथ दिया है। मुझसे गलती हो गई। मैं तेरे लिए कुछ छोड़ के जाना चाहता हूँ। अब और क्या छोड़ेगा तू मेरे लिए? ये ले बाइक, बाइक की चाबी तेरी और ये कैसेट तेरे मामू के लिए। थैंक यू वेरी मच। वेलकम। ये बाइक की वजह से भाई लोग मारेंगे और ये कैसेट की वजह से मामा मारेंगे। दिवाली का लड्डू, हैप्पी दिवाली। अबे काय की दिवाली? तेरे को विश कर रहा था यार। अरे इधर दिवाला निकल गया, तू एक काम कर, तू मेरे को मार डाल, नहीं तो मैं खुद जाकर खुदकुशी कर डालता हूँ अभी। ये मारेगा क्या? बाबा ये देख, दुल्हन है यार। दुल्हन? जिसकी वजह से उनकी जान बच गई। जल्दी से ऑपरेशन थिएटर रेडी करो। यस डॉक्टर। और डॉक्टर चंद्रन को इन्फॉर्म करो इट्स एन इमरजेंसी केस। ओके। एक्सक्यूज मी सर, प्लीज साइन हियर। ओह माय गॉड, शी इज पूजा। सर आप जानते हैं इसे? ऑफ कोर्स, शी इज माय फ्रेंड्स डॉटर। कौन लाया इसे? इसका हस्बैंड। ओके, टेक हर टू द थिएटर। हरी अप। अरे एक्सक्यूज मी डॉक्टर। यस, इसका मेंटल चेकअप करवाना है। इसने बस स्टॉप पे जूस की दुकान खोल ली। अब ये पता लगाना है कि ये वाकई पागल हो गया है या पागल की एक्टिंग कर रहा है। हेलो, हेलो। आप अंदर कैसे आ गए? जाइए बाहर, जाइए। अरे साहब, ऑपरेशन थे। आप अंदर कैसे आ गए? इनको बाहर लेकर जाओ। नहीं 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 नहीं, मैं बाहर नहीं। ये इसका हस्बैंड है। हेलो डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब प्लीज, डॉक्टर साहब प्लीज, डॉक्टर साहब आई रेस्पेक्ट योर फीलिंग्स डॉक्टर, लेकिन तुमको बाहर जाना ही पड़ेगा। नहीं डॉक्टर साहब प्लीज, मुझे बाहर मत दीजिए। तुम्हारे वाइफ को कुछ नहीं होगा। मेरी बीवी? हाँ मेरी बीवी, देखो ना मेरी बीवी यहाँ पे ऑपरेशन थिएटर में बैठी है। डॉक्टर साहब आज मैंने उसको कभी अकेला नहीं छोड़ा। डॉक्टर साहब उसको आज कैसे छोड़ सकता हूँ? प्लीज मुझे इसे साथ रहने दीजिए। प्लीज डॉक्टर साहब, मैं चुप बैठूँ, एक कोने बैठूँ? डॉक्टर साहब मैं आई प्लीज प्लीज आई प्रॉमिस। डॉक्टर साहब दिस इज नॉट फेयर, आपकी नर्स ने मुझे एक नींद की गोली दी है। नींद का इंजेक्शन दिया, गोली नहीं। बैठो। ओके थैंक यू। प्रिया,
हुआ मेरी बच्ची को? क्या हुआ? क्या हुआ बेटे? वो भी दिवाली के मौके पर? केडी, कैसी तबीयत है पूजा की? डोंट वरी भरत, शी बी ऑलराइट। बट हाउ डिड ऑल दिस हैपन? कैसे हुआ ये सब कुछ? चोटें कितनी आई? चोटें कुछ नहीं है। डॉक्टर देसाई विल एक्सप्लेन टू यू इन डिटेल। डॉक्टर देसाई प्लीज एक्सप्लेन टू देम। चोट सर पर लगी है, यहाँ पीछे, जिसकी वजह से शी हैड ब्रेन हैमरेज। खून के दबाव के कारण शी इज नाउ इन कोमा। ओह माय गॉड। लेकिन ऑपरेशन से हमने इस दिमागी दबाव को कम कर दिया है। मेडिकली इस पर्टिकुलर टर्मिनोलॉजी को हम कोमा विजिल कहते हैं। दिस मीन्स ये सब समझ सकती है, देख सकती है, सुन सकती है, लेकिन बोल नहीं सकती। एंड शी कैनॉट मूव। मेरी पूजा ठीक तो हो जाएगी। वेल होप सो। लेट्स प्रे टू गॉड। सेठ जी, पूजा की शादी आप रोमी से करवाने के लिए अगर तैयार हो जाते तो आज ये दिन न देखना पड़ता। अरे पूजा की शादी तो हो गई। हाँ, शी केम हियर, वो शादी के जोड़े में थी और उसके हस्बैंड ने उसको बचाया। रोमी ने? हाँ। कहाँ है वो? हियर इज रोमी, दिस इज रोमी, ये रोमी है। देखिए, रोमी ने अपनी लाइफ खतरे में डालकर पूजा का लाइफ सेव किया है। तुमने तुमने ट्रेन के आगे जंप लगाकर पूजा की जान बचाई? ये तो मेरा फर्ज था। बेटे, बेटे तुमने पूजा की नहीं सारे परिवार की जान बचाई है। पूजा क्या, अगर कोई और होता ना तब भी मैं यही करता। नमस्ते बेटे। मैं कल तुमसे मिले बगैर हमने शादी से इनकार कर दी। हम ये समझ रहे थे कि तुम हमारी पूजा के, हमारे परिवार के लायक नहीं। सर, आप क्या समझते थे, क्या समझ रहे हैं? मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि बेटा हमें क्या पता था कि तुम हमारी जिंदगी में फरिश्ता बन कर आओगे। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि तुम पूजा की जिंदगी में आए। देखिए माँ जी, ना मेरा पूजा से ना मेरा आपसे कोई रिश्ता है। आप सब मुझे माफ कर दीजिए और मुझे जाने दीजिए। ऐसा मत कहो बेटा। देखो, मुझे एहसास हो गया है कि मैं गलती पर था। मुझे तुमसे मिलना तो चाहिए था, तुम्हें समझना तो चाहिए था। मुझे माफ कर दो बेटा। लेकिन माफ कर दो। कौन है आप लोग, कौन है आप लोग? मुझे प्लीज जाने दीजिए आप लोग, प्लीज। देखिए सेठ जी खुद माफी मांग रहे और पूजा को इस हालत में छोड़कर मत जाओ प्लीज। सर जी, मैं आपसे माफी मांगता हूँ, मेरी लाइफ में बहुत सारे टेंशन है, मुझे गाना है। अरे मैं जाना है। अरे यार, मैं आपको कैसे समझाऊं? बॉय, बिंग द स्ट्रेचर, मस्ट बी हार्ट अटैक। अरे यार समझा करो यार, मेरा ओबड़ो ऐसा आपको देखना बहुत जरूरी है। होगा होगा, उन्हें हार्ट अटैक आया है, वो आईसीयू में है, इस वक्त आप उनसे नहीं मिल सकते। अरे यार कमाल है यार, ये अस्पताल है कि जेल है? अरे देखो भाई, मेरा तबीयत बहुत खराब है, मैं बीमार हूँ, मेरे को हार्ट अटैक हो रहा है, मेरे को जल्दी जाने दो। नाटक मत कर। अच्छा अच्छा, ये ले पकड़। छी 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 छी, रिश्वत देता है, अब तो मैं तुझे बिल्कुल नहीं जाने दूंगा। अरे कमाल का चरिया यार, समझाओ इसको तुम। तुम इधर क्या करते, अपना वाइफ के पास जाओ। अरे अरे वो देखो, वो देखो साला, उस दिन मिश्रा का मैयत में घुस गया, आज अस्पताल में घुस गया। ऐसा सड़क छाप स्ट्रगलर को तुम लोग जाने देता है, हमारे साथ सेठ को रोकता है क्या चरिया? वो भरत ओबेरॉय जी के दामाद हैं। अरे क्या? हाँ, भरत ओबेरॉय जी का दामाद और पूजा का पति। पूजा का पति भी है साला। मैं क्यों फंसता हूं? मैं तुम पे इल्जाम नहीं लगा रहा, लेकिन क्यों? अच्छा मैं जा रहा हूं, अपने घर वालों से कह देना कि मैं रूमी नहीं हूं। और हाँ, तुम्हारा एक्सीडेंट होना, मेरा वहां पर होना, तुम्हें बचाना, इस बात का सिग्नल है कि अभी तुम्हें बहुत लंबी जिंदगी जीनी है। और सुनो, गाड़ी आइंदा आहिस्ता चलाना, आहिस्ता, ओके? गॉड ब्लेस यू। राजू, अब क्या है? राजू, मैंने सब सुन लिया है। सुन लिया ना? हाँ। अब तो पता चल गया ना कि मैं राज हूं, रोमी नहीं हूं। प्लीज यार, जाके बताओ उन लोगों को। नहीं, यार
क्यों? मैं सेठ जी को नहीं बता सकता, तुम जानते हो सेठ जी को दिल का दौरा पड़ा है, मैं उन्हें नहीं बता सकता। अरे तुमको क्या, मैं डॉक्टर जी का दे दूंगा? और पूजा की हालत के बारे में भी जानते हो, अगर सेठ जी को मैंने इस हालत में बता दिया कि तुम रोमी नहीं हो, पता नहीं क्या से क्या हो जाएगा। मेहरबानी करके रुको, मैंने तुम्हारे आने के बाद सेठ जी की आंखों में उम्मीद देखी, प्लीज। अच्छा आप मुझे एक बात बताइए कि आपका इसमें क्या है, आप कौन है? कहने का तो मैं उनका अकाउंटेंट हूँ, लेकिन पिछले 30 साल से मैं सेठ जी के साथ हूँ, मुझे सगे भाई की तरह मानते हैं, मैं उनकी जिंदगी के लिए तुम्हारे सामने हाथ जोड़ता हूँ, प्लीज रुक जाइए। मुझे तो कुछ नहीं मानते ना, मैं आपके सामने मेरी जिंदगी के लिए हाथ जोड़ता हूँ, आपके पांव पड़ता हूँ यार, वैसे मैं अपनी लाइफ में बहुत झटके खा रहा हूँ यार, प्लीज। देखा, चलिए आप इस तरफ, मैं इधर, प्लीज राजू। दामाद जी, दामाद जी, नमस्ते। सर आप? अरे नहीं 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 सर, बोल के मेरे को शर्मिंदा मत करो दामाद जी, शर्मिंदा मत करो। दामाद जी? हाँ, अरे आपने बोला क्यों नहीं, आप पूजा का पति और ओबड़ा साहब का दामाद है। हाँ? कमाल है, कमाल है, आप ओबड़ा साहब का दामाद है। इसमें कमाल की क्या बात है? अरे अरे कमाल तो इधर हो, इधर हो, किधर गया? अरे कमाल तो है ही दामाद जी, सच्ची बोलता है। उस दिन आपको मिश्रा का मैयत में रोते हुए देखा ना, तभी हमको लगा कि आपके गले में से तो दामाद, I'm sorry, आपके गले में से तो सरस्वती बोलता है, सरस्वती। आहा, क्या सुर में रोया है, क्या सुर में रोया है। अरे ऐसा रोने वाला, मेरा मतलब है गाने वाला दामाद तो हम देखा ही नहीं है। अरे तुम तो दामाद नंबर वन है यार। फिर इस कैसेट का क्या होगा? अरे ये कैसेट को गोली मारो यार, अभी तो मैं तुम्हारा वास्ते कैसेट बनाएगा देखना, और ऐसा रिलीज करेगा, ऐसा रिलीज करेगा कि आज तक किसी दामाद का, मेरा मतलब है किसी सिंगर का नहीं हुआ होगा। तुम एक काम करो यार, कल मेरा ऑफिस में आ जाओ। दामाद जी, दामाद जी, अरे मेरा स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी। गोवर्धन भैया जल्दी से रोमी को ले आइए, भाई साहब दो बार पूछ चुके हैं। आप जाइए, मैं लेकर आता हूँ। डॉक्टर साहब का कहना है कि इस वक्त रोमी का भाई साहब के पास होना बहुत जरूरी है, जल्दी ले आइए भाई साहब प्लीज। कहाँ से लाऊं मैं उसे, क्या बताऊं मैं सबको? रोइए मत, आपका रोमी आ गया है। सच बोल रहा है तू? बाहर जाने के बाद मैंने सोचा कि अगर 2-4 दिन रोमी की एक्टिंग करने से भरत भाई की जान बचती है तो क्यों नहीं, वैसे भी किसी की जान बचाना अच्छी बात होती है ना? तू कितना अच्छा है, चल चल तुझे याद कर रहे, चल। वाह 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 वाह, सिंसेरा की बाबू, ये तो उसी लड़की का बैग है यार। अरे उस लड़की का था, अब अपना है। ये देख 5-6 लाख की ज्वेलरी, ये लैपटॉप, ये पूरा मिला के 8-10 लाख का माल है दोस्त, तेरी तो लाइफ बन गई राजू, खुशी के मारे मेरी आंखों से हाथ से आए। तू रो मत, ये बैग में वापस दे दूंगा। हां वापस काय को? क्योंकि चोरी करना पाप है आबा। अच्छा चोरी करना पाप है, मेरे मामू को टोपी पहना के उसको दुकान बोल के बस स्टॉप बेच दिया, वो गलत नहीं था? करियर के लिए। अच्छा करियर के लिए, वो 1000 रुपया खाते में डाल के 30,000 का चेक फाड़ा, वो गलत नहीं था? करियर के लिए। वाह 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 वाह, वो तेरा करियर के लिए, और आज मेरे पास पॉकेट में इतना बड़ा माल आया तो वो सब गलत हो गया? देखा बा, मैंने हर गलत काम अपने करियर के लिए किया है और आज मुझे ब्रेक मिल गया है। कौन दे रहा है? अबे तू जानता है वो किसकी बेटी है? किसकी बेटी है? शी इज द डॉटर ऑफ भरत ओबेरॉय। भरत ओबेरॉय, भरत ओबेरॉय, शी इज द डॉटर ऑफ भरत ओबेरॉय। हां तो क्या, महेश शेरवानी? क्या हुआ, मर गया? अबे वो मुझे ब्रेक दे रहा है। अच्छा अच्छा अब मरेगा। देख मिसेस गुडिनो हमेशा कहती है कि जिंदगी के हर मोड़ पर हमें गॉड मिलता है, बस हम ही उसे पहचान नहीं पाते। अच्छा, कभी तू बारिश में अकेला खड़ा हुआ है भीगता हुआ? बहुत बार। और आके किसी ने तुझे छाता दिया है? दिया है ना। और तूने उसे पहचाना नहीं? अरे पहचाना, अपना बबन रे। वो बबन नहीं आबा, वो गॉड है। बबन गॉड है? हाँ। कभी तू यहाँ पे भूखा प्यासा लेटा है और तेरे पास कुछ खाने पीने के लिए नहीं है? अरे कई बार लेटा हूँ यार। और आके किसी ने तुझे खाना दिया है? दिया है ना, वो अपनी दूध वाली ने। अबे वो दूध वाली नहीं है, वो भी गॉड है, गॉड है। इसी तरह कल रात को मुझे भी गॉड मिले थे और गॉड ने मुझे एक ब्रेक दिया है। अच्छा 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 अच्छा, गॉड ने तेरे को ब्रेक दिया? अरे यार मैं तो बोलना ही भूल गया राजू, कल रात मेरी मुलाकात भी गॉड से हुई थी। किससे? उसी से जिसने तेरे को ब्रेक दिया और मेरे को ये बैग दिया। अबे ये बैग मैं वापस दूंगा। नहीं देख, गॉड ने मेरे को दिया, उसे छीनने का तुझे कोई अधिकार नहीं है, तू कौन होता है? आबा ये गॉड ने तुझे बैग नहीं दिया, तूने गॉड से चोरी किया है और गॉड के घर चोरी करना पाप है आबा। ला ले बाबा। थैंक यू। और
नहीं और नहीं ब्याज काट के। अब कैसे हो? अच्छा हूँ ब्याज काट के। ये कितनी उंगलियां हैं? 5 उंगलियां ब्याज काट के। मैं कौन हूँ? इंस्पेक्टर ब्याज काट के। इस वक्त तुम कहाँ पे हो? अस्पताल में ब्याज काट के। वेरी गुड। वो बस स्टॉप था या जूस की दुकान? बस स्टॉप था, ब्याज काट के। वेरी गुड डॉक्टर, लगता है इज ओके। अच्छा भूख लगी है? हाँ, कस के ब्याज काट के। क्या खाओगे? संतरे के छिलके, मौसमी के छिलके, गन्ने के छिलके, ब्याज काट के। ओह नो डॉक्टर, आप वापस शॉक दीजिए। ये ठीक नहीं हुआ। घबराने की कोई जरूरत नहीं, ये मेंटल वार्ड है, यहाँ से ऐसी आवाजें हमेशा आती रहती है। हाय, गुड मॉर्निंग। सुबह हो गई है, अब तो जाग जाओ। अरे हाँ, तुम्हारा बैग मेरे दोस्त के पास रह गया था। इसमें सब कुछ वैसे के वैसे ही है, लेकिन सिर्फ 5,000 रुपये कम है, वो मेरे दोस्त ने खर्च कर दिए। लेकिन जैसे तुम होश में आओगी मैं तुम्हें पैसे वापस कर दूंगा। मैंने तुमसे कहा था कि मैं तुमसे नहीं मिलूंगा, लेकिन वो गोवर्धन जी है ना, तुम्हारे अंकल, उन्होंने मुझसे कहा कि जब तक तुम्हारा डैडी ठीक ना हो जाए मैं रूमी बनकर रहूँ। इसमें मेरा भी फायदा है, मैं हूँ सिंगर। और जो महेश शेरवानी है ना, वो मुझे तुम्हारा हस्बैंड समझ के मेरा एक एल्बम निकल रहा है। मैं तो लाइफ बन गई। कभी किसी दिन मैं तुम्हें अपना गाना सुनाऊंगा। अरे कभी किसी दिन क्यों, मैं तुम्हें अभी सुनाता हूँ। गाना पसंद आए तो ताली जरूर मारना, ओके? एंड नाउ आई एम गोना सिंग फॉर यू। उसे हंसना भी होगा, उसे रोना भी होगा, उसे पाना भी होगा, उसे खोना भी होगा। सुबह शाम तन्हाई में आहें भरेगा, हर दिल जो प्यार करेगा। मैं कैसे मान लूं कि तुम ही रोमियो? हाँ, मैं भी सोच रहा था, जब एक्सीडेंट हुआ तो पूजा कार के अंदर थी एंड यू वर आउटसाइड, हाउ कम? ओह मॉन, ये मॉन्टी है, मेरे ननद का बेटा, अमेरिका से आया है। सब और ये रोमी है। आंटी, आई डोंट बिलीव इट। मैं नहीं मानता कि ये रोमी। कैन यू प्रूव इट? कोई सबूत? हां, मैं हूं ना सबूत। मैं जानता हूं ये रोमी है। ओ या या, टेल टेल। पूजा बिटिया मुझे इससे पहले मिला चुकी है। अच्छा, कब? हाँ, क्या हुआ था कि जब मैं पूजा बिटिया को लैपटॉप कंप्यूटर दिलाने गया था, तब हम तीनों ने साथ मिलकर लंच किया था, है ना? Whatever. तुम्हारे लाड प्यार ने ही उसे इतना बिगाड़ा है, उसके राज साथ बने रहे, हमें कुछ नहीं बताया। नहीं, मैंने सोचा था कि मैं सही वक्त आने पर सब कुछ बता दूंगा। अरे सर, ये तो बताओ ना कि रिकॉर्डिंग कब करोगे आप? अरे लगे पड़े दामाद जी, लगे पड़े हैं, सब हो जाएगा दामाद जी, फिक्र मत करो। सेठ जी, कहीं एल्बम पे भी इनका नाम आप दामाद जी मत रख देना। चलिया मजाक करता है। अरे एल्बम पे तो हम बड़ा हरफों में लिखेगा रोमी। रोमी नहीं, राज। राज 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 राज। अरे पर तुम्हारा नाम तो रोमी है ना? रोमी है ना, लेकिन एल्बम पे राज आएगा। क्यों? हाँ, अरे भाई, यूसुफ खान ने अपना नाम दिलीप कुमार क्यों रखा? क्यों रखा? क्योंकि क्यों? वो नाम उसके लिए लकी था। लकी था, एग्जैक्टली। अच्छा अच्छा, अभी समझा यार, तो पहले बोलो ना, राज तुम्हारे लिए लकी है ना? बहुत लकी है। तो हम राज रख देगा यार, कौन सा बड़ा बात है। अरे पहले अब ये तो बताओ कि आप रिकॉर्डिंग कब से शुरू करोगे? अब देखो भाई, ये साल तो पूरा बुक है, लेकिन हम वादा करता हूँ कि अगले साल पहला एल्बम तुम्हारा होगा। एक साल? मैं तेरे को बोला था राज, वो HM वाले बेचारे हाथ जोड़ के बोलते हैं 3 महीने में एल्बम रिलीज करेंगे। अरे पॉलीग्राम वाले क्या बोले? अरे वो लोग तो बोले थे 15 दिन में एल्बम बाहर निकाल देंगे। अबे चलो चलो। अरे अरे रुको रुको यार, तुम लोग तो छोटा छोटा बात में गर्मी खा जाते हैं। अरे वाह, मून वॉकिंग भी करता है तू तो, स्टार है यार। बैठो बैठो, अब क्यों बैठे? अरे बैठना नहीं, क्यों बैठे? अरे बैठना। देखो भाई, 8 दिन के पहले तो रिकॉर्ड। 8 दिन बहुत ज्यादा। अरे समझो यार, समझो यार। ओहो, बात समझो यार, अभी अनु मलिक कितना बड़ा म्यूजिक डायरेक्टर है मालूम है ना? अभी टोपी लगा के इंग्लैंड अमेरिका का दौरे पे गया, उसको आने को भी तो टाइम लगेगा ना, है ना? ये, ये, है ना? और हाँ, और फिर अपना पूजा बेबी भी अस्पताल में रिकॉर्डिंग करेगा, अच्छा लगेगा क्या? अरे मैं जी उसी के लिए सब कर रहा हूँ। पूजा मेरा गाना सुनेगी और झट से अपने पैरों पर खड़ी हो जाएगी। अरे गोर्धन जी, मुबारक हो। मुबारक मुबारक मुबारक। अब सारी टेंशन खत्म हो गई। खत्म हो गई, अब फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम नहीं। कोई प्रॉब्लम नहीं। अब भरत भाई को जाकर असलियत बता देते हैं। यहाँ प्रॉब्लम है। क्या? मैं भरत भाई को असलियत नहीं बताऊंगा। लेकिन क्यों? क्योंकि मेरी मर्जी, पहले तुम्हारी मर्जी थी, अब मेरी मर्जी है। नहीं, लगता है तेरी नियत में खोट आ गई है। आप जो भी समझो, मैं भरत भाई को असलियत नहीं बताऊंगा। हाँ, तो मैं जाकर बता। दिस इज हॉस्पिटल, प्लीज क्वाइट। सॉरी सॉरी, तो मैं जाकर बता दू। क्वाइट, हॉस्पिटल प्लीज। सॉरी सॉरी, तो मैं जाकर बता देता हूँ उनको। तो फिर मैं भी बता दूंगा।
कि तुम्हारा प्लान क्या था? प्लान? कौन सा प्लान? किसका प्लान? भूल गए? क्या? तुमने मुझसे कहा था कि इसके पास बाबू की दौलत है, बाप हार्ट अटैक से मर जाएगा, बेटी का घर तुम खोल दोगे, हाँ और फिर आधी आधी दौलत हम लोग बांट लेंगे। क्या बात करता, क्या बात करता है तू? मैंने नहीं ऐसा सोचा था कि तू इतना गिरा हुआ आदमी है। मैं गिरा हुआ नहीं हूँ, तुम मुझे गिरने पे मजबूर कर रहे हो। अब बाहर जाइए, कपड़ा चेंज करने का है। ठीक है, हम लोग बाहर जाते हैं। नहीं नहीं, ये इसका हस्बैंड है, आप मेरी मदद कीजिए। नहीं नहीं, आप जाइए, मेरी बात सुनिए आप, प्लीज आप जाइए, मेरी बात तो सुनिए ना। सर आप चादर खींचे प्लीज। वॉचमैन, लाइफ में ऐसा हस्बैंड नहीं देखा। वाइफ का कपड़ा बदली करने को बोला, आग बंद कर लिया और मिस्टेक में मेरा ही कपड़ा खींच लिया। व्हाट नॉनसेंस। राजू, राजू, तू कमाल आदमी है। राजू यार, तू उतना बुरा नहीं है जितना मैं समझ रहा था। और आप जितना सोचा था उससे ज्यादा अच्छे निकले। अच्छा गोर्डन जी, ये जो महेश शेरवानी है ना? हाँ महेश शेरवानी, मैं जानता हूँ उनको। क्या हुआ? वो मुझे भरत भाई का दामाद समझता है। ये कितनी उंगलियाँ हैं? पांच उंगलियाँ ब्याज काट के। मैं कौन हूँ? इंस्पेक्टर ब्याज काट के। वो कौन है? डॉक्टर ब्याज काट के। वेरी गुड, भूख लगी है? बहुत खस के ब्याज काट के। क्या खाओगे? दाल चावल कुछ भी खिला दो ब्याज काट के। वेरी गुड डॉक्टर, लगता है ये बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा एक बात बताओ, बस स्टॉप पे जूस की दुकान क्यों खोली? कमीने ने अपनी दुकान बोल के बेच दी थी ब्याज काट के। कितने में खरीदी थी? 2 लाख में खरीदी थी ब्याज काट के। किससे खरीदी थी हा? बोलो किससे खरीदी थी? इस कमीने से खरीदी ब्याज काट के। इस कमीने से खरीदी थी ब्याज काट के। डॉक्टर अभी तक ठीक नहीं हुआ था, शॉक दो। एक बार रिकॉर्डिंग हो जाए ना, उसके बाद मैं खुद ही बता दूंगा कि मैं रोमी नहीं हूं। एक बात कहूं, काश अगर तू असली रोमी होता, ऊपर वाले का क्या जाता। हेलो गुड मॉर्निंग, हॉस्पिटल में आ रहे हो जा रहे हो? मैं आप ही को ढूंढ रहा था। तुम आप मुझे हेल्प करना पड़ेगा। गोवर्धन भैया। हां जी, ये आप ही से बात कर रहे हैं? ओह आई एम सॉरी जजी बहन जी, मुझे पता ही नहीं चला कि ये फोन पे बात कर रहे हैं या मुझसे मुखातिब है। हाँ जी, आपको एक न्यूज देनी थी, जानवी का फोन आया था। अच्छा हाँ। मेरी बेटी का फोन आया। हाँ। क्या बोली? कल मॉर्निंग की फ्लाइट से वो इंडिया आ रही है। मिस्टर पॉल, मैंने अमेरिका से एक इम्पोर्टेंट मेडिसिन मंगवाया, जानवी कैरिंग विद हर? ऑफ कोर्स शी इज कैरिंग विद डॉक्टर। दैट्स गुड, दैट्स वेरी गुड। सारे के सारे खरीद लो। गोवर्धन जी आपकी तो बेटी आ रही है, आपको खुश होना चाहिए। नहीं, जानवी और पूजा दोनों एक दूसरे से कुछ भी नहीं छुपाती, वो रोमी के बारे में भी जरूर जानती हो। जानवी और पूजा दोनों सगी बहनों की तरह है, घर में भी कभी किसी ने इन दोनों में फर्क नहीं समझा। हाँ दोनों साथ साथ खेल के बड़े हुए, अगर पूजा के लिए कोई चीज आती है तो जानवी के लिए भी वही चीज आती है। Thank you.
गुड मॉर्निंग। मुझे कुछ काम है तो मेरे साथ आओ। रूम नंबर 1207। ओके 1207। मैं अभी ओके बाबा। एक्सक्यूज मी, रूम 1207 प्लीज। दैट वे। थैंक यू। यू वेलकम। हाँ जानवी मेरी बेटी है। मेरे साथ ऐसा क्यों होता है? क्या हुआ? कुछ नहीं गोवर्धन भाई, मैं सोचा था मैं यहां से भाग जाऊं, लेकिन रास्ते में जिंदगी से टकरा गया। अब सोचता हूं भागू या ना भागू। भागने की जरूरत नहीं है, जानवी ने रोमी को देखा ही नहीं है, सिर्फ फोन पे बात हुई है। हाँ। चाय पियोगे? नहीं मैं वेजिटेरियन हूँ। रो मत बीजी, क्यों क्राय बीजी, रोते नहीं है। डैड आप ही समझाए ना बीजी। डैड हमें तो खुश होना चाहिए डैड कि पूजा की जिंदगी बच गई, कोई बुरी बला आने से पहले ही टल गई। और फिर क्या हुआ है पूजा को? आने से पहले मैंने डॉक्टर अंकल से बात की थी। आपको पता है सुपरमैन को भी यही हुआ था? सुपरमैन? जी हाँ, और अब तो वो उड़ने भी लगा है। बस अब पूजा के उठ के बैठने की देर है। पूजा कम ऑन गेट अप, देख बहुत हो गया तेरा नाटक। हाँ याद है तूने कहा था जब मैं वापस आऊंगी तेरा और मेरा डांस कॉम्पिटिशन होगा, तेरा इंडियन और मेरा वेस्टर्न, और अब तो मैं नए स्टेप्स भी सीख के आई हूँ। अच्छा ठीक है, बता तेरी शायरी कैसे चल रही है? तुझे एक शेर सुनाऊं मैंने लिखा है। हमने तुम्हारी याद में रो रो के तप भर दिए, और तुम बेवफा आए और उसमें नहा के चल दिए। तुम्हारा जोक। गया था बच्चा? बीजी लॉबी में ना एक पागल टकरा गया था, उसने मेरे ऊपर कोल्ड ड्रिंक गिरा दी, उसे धोने गई थी। आंसुओं से धो के आई है, रब तुम दोनों के प्यार को बुरी नजर से बचाए। आओ जानवी, मैं तुम्हें रोमी से मिलाती हूँ। ये है रोमी। हेलो। और रोमी ये जानवी है।
You're not Romy. Yeah? He Romy nahi hai. I told you so. आपने तो कहा था कैसे रोमी को देखा ही नहीं. मुझे भी यही लग रहा था कि मिली नहीं है, सिर्फ बात की होगी फोन पे. तुमने पहले कभी रोमी को देखा है? नहीं अंकल, लेकिन पूजा ने मुझे बताया था कि रोमी शॉर्ट है, उसकी ब्राउन आईज है, कर्ली बाल है, लेकिन ये तो. तब फिर आप भी जानवी नहीं हो. एक्सक्यूज मी. जी हाँ, क्योंकि पूजा ने मुझे बताया था कि जानवी मोटी है, भद्दी है, नाटी है, काणी है और उसका एक दांत बाहर आता है. लेकिन ऐसा तो नहीं है, क्योंकि आप बहुत खूबसूरत हैं. पूजा की बच्ची, तू ठीक तो हो जा, फिर तुझे देखूंगी. जी जी, आप कहो ना. पुत्र. हाँ. जी. आज दिवाली है, हम मनाएंगे तो नहीं, पर पूजा तो करनी ही पड़ेगी ना. रस्में तो निभानी है ना. तू आज शाम को हमारे घर आ जाना. हाँ जी जरूर. हमारे घर नहीं बेटा, अपने घर. हाँ. ये बंगला लाला जी ने बनवाया था जब भरत 15 साल का था. तो साहब, आज दिवाली के दिन कितनी खूबसूरत लग रही हैं आप, है ना? यू नो मिसेस गुडिन हमेशा कहती हैं कि परिवार के साथ दिवाली मनाने का मजा कुछ और ही होता है. थैंक यू. तो साहब, ओफो, 150 कैलोरी होती है इसमें, ये तो मैं खा ही नहीं सकती ना. ले लेना चाची, प्रसाद है प्रसाद. हाँ. ले लीजिए ना. ओके, थोड़ा सा चख लेती हूँ. आप बड़ी कैलोरी कॉन्शियस है ना. नो वंडर, इसलिए आपका फिगर इतना अच्छा है. हमारी तरफ से सबको दिवाली मुबारक हो. हंसिए. अरे आइए आइए मास्टर जी, आइए, आपको हमारे दामाद से मिलवाए. दामाद? यस मास्टर जी, ये पूजा के हस्बैंड रोमी हैं. मैं इनसे मिल चुका हूँ. भूल जाओ ना उस बात को. भूलने की तो बात कर रहा हूँ, तुम याद दिला दो ना. मास्टर जी गाना गाते हैं, पूजा को डांस सिखाते हैं, लेकिन इनमें एक क्वालिटी है, ये भूलते कमाल के हैं. तुम ये बता दो ना, कहाँ मिले थे, मुझे याद आ जाएगा. बता दूं? सबके सामने बता दूं? हाँ, सबके सामने. मास्टर जी और मैंने एक डांस कॉम्पिटिशन में हिस्सा लिया था. इतना बढ़िया नाचे मास्टर जी कि इनका नारा टूट गया. ऐसा हुआ था? जी हाँ, भूल गए. ओके मास्टर जी, अब आप ये मत भूलना कि ये रोमी है, पूजा के हस्बैंड है. क्या मैं रोमी को पूजा का कमरा दिखाऊं? हाँ जरूर. अरे रोमी क्या, अब तो पूरा घर इसका है. कम ऑन रोमी, चलो ना. ये पूजा का कमरा है. अच्छा है, तो फिर तुम्हारा कमरा कौन सा है? यही. तो फिर पूजा का कमरा कौन सा है? ये हमारा कमरा है रोमी जी. पूजा ने आपको बताया नहीं कि हम दोनों एक ही कमरे में रहते हैं? बताया था, लेकिन भूल गया. वाह, व्हाट इज दिस, इतने सारे परफ्यूम्स, लेकिन हर एक किस्म के दो दो क्यों? वो इसलिए कि जो चीज मुझे पसंद आती है वो चीज पूजा को पसंद आती है. ओके. और जो चीज पूजा को पसंद आती है वो चीज मुझे पसंद आती है. अब ये देखिए रोमी जी, हम दोनों के फोन भी एक है. अच्छे है ना? माइंड ब्लोइंग, सिंपली. अच्छा मुझे बात बताओ, अगर आप दोनों को एक ही लड़का पसंद आए तो? ऐसे नहीं हो सकता. क्यों? क्योंकि पूजा आपको पसंद कर चुकी है रोमी जी. इसका मतलब आप मुझे पसंद नहीं करती? करती हूँ, लेकिन उस तरह नहीं. फिर किस तरह? I like this place already. अच्छा, पूजा ने मुझे बताया था कि आप शायरी बहुत अच्छा करते हैं. मुझे वो पहला शेर सुनाइए जो आपने पूजा को सुनाया था. सिर. आते जाते जो मिलता है तुम सा लगता है, हम तो पागल हो जाएंगे ऐसा लगता है कि तेरे प्यार में, तेरे इंतजार में. Wow! You're so romantic. I am. तभी तो पूजा तुमसे इतना प्यार करती है रोमी जी. Mm-hmm.
क्या कर रहे हैं? मुझे नहीं मालूम था कि 6 साल में तू इतना पलट गया है। अरे नहीं यार, मैं खुद परेशान हो गया हूँ। हर जगह वही वही दिखाई दे रही मुझे, यहाँ तक कि तुझमें ही मुझे वही दिखाई दे। होता है होता है। अरे ऐसा भी होता है क्या? अरे होता है भाई, नया आशिक पुराने शराबी की तरह होता है, हर जगह उसे बोतल नजर आती है। लेकिन मेरे को माफ कर बाबा, सोने दे, मस्त सपने में दूध वाली आई थी रे। यार अपनी लाइफ लाइफ में सिर्फ सपने में लड़की आएगी क्या? चलो उठ जा, सोने दे। हाय हाय, हेलो सिंसलाटी, बबला बू बबला बू बबला बू। What's wrong? Hey, hey, what are you doing? Hey, what are you doing? Stop it! Stop it! Hey, क्या हुआ तुम्हें? What's wrong? बड़ी मुश्किल से बाबा ने आपका पता बताया। बड़ी मुश्किल से क्यों? ये पता है? ये पता तो बड़ा आसान है। क्या पियोगी तुम? अभी लेके आए। अब आओ। कौन है? अब मैं हूँ यार, देख जानवी आई है, कुछ जूस पिला। नहीं जूस नहीं बन सकता। Can you believe it? ये मेरा दोस्त आबा है। हाय। अस्सलाम वालेकुम। और खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। रोमी जी। जी सुनाइए। चार्ट कह रहे थे कि उनकी जिंदगी में जो बेटी की कमी थी अब पूरी हो गई है। Oh, how sweet. उन्होंने आपके लिए एक छोटा सा गिफ्ट भेजा है। वाकई में बहुत छोटा सा गिटार है। वैसे इस गिटार में है क्या? कार की चाबी। Oh, cool. कौन सी कार है? ओपेल। ओपेल? बाहर खड़ी है। बाहर की खड़ी है? अंदर नहीं आ सकती ना। Funny, very funny. डैड ने बंगलो का लेफ्ट विंग आपके लिए खाली करवा दिया है। अच्छा? कल से आप हमारे साथ ही रहेंगे। इतनी इज्जत देकर मुझे एक पल में इतना बड़ा बना दिया, और दूसरी पल में घर जवाई बनाकर मुझे इतना छोटा बना दिया। डैड से कहना बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन मुझे सिर्फ प्यार चाहिए, तुम्हारा और तुम सबका, क्योंकि प्यार के अलावा मेरे पास और कुछ नहीं तुम्हें देने के लिए। मिसेस गुडिनो हमेशा कहती हैं कि जिनके पास प्यार की दौलत हो उन्हें कभी गरीब नहीं समझना चाहिए, समझी? डू यू अंडरस्टैंड? डू यू अंडरस्टैंड? Do you understand? I love your family. Mwah! Mwah! चाय और बुनपा खाओगी? हाँ। ओके? ये अब्दुल, चाय और बुनपा तो मंगा यार। शायद ये बाजी पूजा जीत गई। मैं फिर से जीत गई। You're very lucky in cards. Yes. But Pooja is very lucky in love. शायद तुम दोनों में लकी हो। शायद तुम्हारा प्यार भी तुम्हारे पास हो और तुम ही उसे पहचान नहीं पा रही हो। मैं समझी नहीं। मैं समझाता हूँ। मिसेस गुडिनो हमेशा कहती हैं कि गॉड हमें जगह जगह सिग्नल दिखाता है, लेकिन हम ही उसे पहचान नहीं पाते। हम जिंदगी में हजारों लोगों से मिलते हैं, लेकिन अचानक एक ऐसे शख्स से टकरा जाते हैं जिसे बार बार मिलने को जी जाता है। जब वो साथ हो तो खुशी होती है, जब वो दूर चला जाए तो मन उदास हो जाता है। What is this? It's already 10 o'clock. Please go. We are going. ये इस बात का सिग्नल है कि हम दोनों में से किसी एक को जाना। गोवर्धन नहीं, तुम दोनों को जाना पड़ेगा, सिर्फ मैं यहाँ पे रुकूंगा। इज इट ओके? ओके बाबा, थैंक यू। मी को यहाँ रहने दो ना। नहीं बेटे, थक गया है। गोवर्धन जी, ये आपकी उम्र है आराम करने की। हम लोग दोनों यहाँ पे बैठेंगे, बात बातों में रात गुजर जाएगी। ओके, आई डोंट माइंड। हाँ, नहीं क्या है कि सिर्फ एक ही आदमी अलाउड है यहाँ पर, सिर्फ एक ही आदमी अलाउड है। अच्छा, तो तुम जानवी को घर छोड़ दो, ठीक है? हाँ, ये भी जाओ बेटे, तुम घर जाओ। ये भी ठीक है। बाय पूजा। ये तो और अच्छा है। रोमी जी, एक्चुअली यू आर वेरी फनी। आपकी कंपनी काफी मजेदार है, अच्छा लगता है। थैंक यू, अब तो जिंदगी भर का साथ है। अच्छा एक बात बताइए, आप पूजा को पहली बार देवी माँ के मंदिर ले गए थे ना? मंदिर? उस मंदिर की बात भी नहीं करना, मैं तो उस मंदिर का पता भी भूल गया हूँ। मैं सोच रही थी कि क्या नहीं, कि अगर कल सुबह आप मुझे मंदिर ले जाते। But it's all right, no problems. You know you're right. मिसेस गुडिनो हमेशा कहती है कि भगवान से कभी पंगा नहीं लेना चाहिए। तुमने तो मेरी आंखें ही खोल दी। You're so sweet. 6 o'clock in the morning, I come pick you up. हाँ, good night, Romy जी. Good night. यार मुझसे इतनी awkward क्यों रहती है? आओ, आओ, आओ. अरे तुम्हें क्या लगता है
15-20 मिनट और। अगर हम इतने फास्ट चलेंगे तो 15 मिनट, अगर इतने फास्ट चलेंगे तो 20 मिनट, इतने स्लो चलेंगे तो 25, इतने स्लो चलेंगे तो 30, अगर नहीं चलेंगे तो नहीं पहुंचेंगे। मुझे ऐसा क्यों लगता है कि तुम मुझसे कुछ कहना चाहते हो? क्या बोलूं? तुम और तुम्हारी बहन बिल्कुल एक जैसी हो। उसने मुझसे यही पूछा था। मुझे ऐसा क्यों लगता है कि तुम मुझसे कुछ कहना चाहते हो? और फिर तुमने क्या कहा था? मैंने ये कहा, प्यार करता हूं और तुम्हारे बिना जी नहीं सकता। बहुत प्यार करते हो ना? पूजा कितनी लकी है उसे तुम मिले। तुम पूजा से भी ज्यादा लकी हो, क्योंकि बहुत जल्द तुम एक मुझ जैसा लड़का मिलेगा जो तुमसे बहुत प्यार करेगा। चाहिए? अच्छा रोमी जी, हाउ डू यू, और कितने क्वेश्चन पहले ये बताओ। आखिरी है। ओके, पूछो। हाउ डू यू फील, पूजा के बगैर तुम्हें कैसा लगता है? अच्छा लगता है। कैसे लगता है ये? मैं कैसे बताऊं कि कैसा लगता है? आते जाते जो मिलता है तुम सा लगता है, आते जाते जो मिलता है तुम सा लगता है, हम तो पागल हो जाएंगे ऐसा लगता है। ओ तेरे प्यार में, तेरे राइट, ठीक तो है ना? क्या ठीक है? ना तुम ठीक हो, ना वो ठीक है, ना मैं ठीक हूँ। मुझे तो ऐसा लगता है कि ठीक भी ठीक नहीं है। ओके, ओके, ओके। ये आशिकी भी ऐसा नशा है, जब ये लगे तो छूटे नहीं, नाता दिलों का है लगता है। ओ तेरे प्यार में, तेरे इंतजार में, ओ तेरे प्यार में, तेरे इंतजार में। क्या सोच रही? सोच रही हूँ कि तुम क्या सोच रहे हो? मैं ये सोच रहा हूँ, जी चाहता है जुल्फों के नीचे यूं ही हमेशा सोए रहे, बस तुमको देखे, बस तुमको चाहे, ख्वाबों में यूं ही खोए रहे। तुमसे मिली है जब से नजर, हमको नहीं है कुछ भी खबर, अब तो हमको अफसाना भी सच्चा लगता है, हम तो पागल हो जाएंगे ऐसा लगता है। ओ आते जाते जो मिलता है तुम सा लगता है, हम तो पागल लग
लगता है ओ तेरे प्यार में तेरे इंतजार में ओ तेरे प्यार में तेरे इंतजार में आपके भगवान को इससे दूर कोई जगह नहीं मिली थी? ऐसा मजाक नहीं करते रोमी जी। अच्छा एक बात बताओ, तुम्हारे घर के पास भी तो एक मंदिर है, तो फिर 5 घंटे ड्राइव करके 2 घंटे चलकर इतनी दूर इस मंदिर में क्यों आए? भगवान तो हर जगह एक जैसा ही होता है ना। रोमी जी, आप 5 घंटे ड्राइव करके 2 घंटे वॉक करके इतनी दूर भगवान के मंदिर आए, क्यों आए? अपने प्यार की खातिर। राइट, भगवान प्यार करने वालों का इम्तिहान लेता है, लेकिन कभी किसी को खाली हाथ नहीं जाने देता, इसलिए जो मांगना है जल्दी मांगिए। एक छोटी सी प्रॉब्लम है, मिसेस गुडिन हमेशा मुझे चर्च लेके गई है, मुझे नहीं मालूम कैसे। ऐसे मांगिए जो भी मांगिए सच्चे दिल से मांगिए। आपने क्या मांगा? मैंने अपना प्यार मांगा है। मैंने भी आपके प्यार की जिंदगी मांगी। सच? एक बार साथ में मांग ले। प्लीज प्लीज, आपका प्यार आपको जरूर मिल जाएगा, ये मेरा वादा है। सच? ये प्रसाद लीजिए। प्लीज सुहागन की सोनी मांग अच्छी नहीं लगती, इसकी मांग भी भर दो। ये मेरी बीवी आप लोग कुछ बताते क्यों नहीं, मेरी बीवी कैसी है? अरे ये लोग तो कुछ बोल नहीं रहे, लेकिन तुम क्यों खामोश हो? तुम कुछ बोलती क्यों नहीं? तुम लेटी क्यों हो? तुम्हें उठना पड़ेगा मेरे लिए। घबराओ मत, मैं आ गया हूं, अब हमें कोई अलग नहीं कर सकता। राहुल, राहुल ये क्या हो रहा है? चलो चलो अपने रूम में। डॉक्टर साहब, आप मुझे मेरी बीवी से अलग क्यों कर रहे हैं? देखिए उसकी तबीयत खराब है, उसे मेरी जरूरत। क्या वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी? तुम अपने कमरे में जाओ। मैं नहीं जाऊंगा। राहुल वो तुम्हारी बीवी नहीं है, शी इज नॉट योर वाइफ। लेके जाओ, लेके जाओ। राहुल रिलैक्स, राहुल रिलैक्स। क्या हुआ इसको? एक्सीडेंट हुआ था राहुल। कार? हाँ कार। चलो कार लोग बनाते क्यों हैं? ले जाओ आई जस्ट। और अगर बनाते हैं तो लोग उसमें जाते क्यों हैं? यू टेल मी, लोग पैदल भी तो जा सकते हैं। आई एम सॉरी, I'm really sorry.
ये राहुल है, हमारे मेंटल वार्ड का पेशेंट। प्लीज रिलैक्स। मेरे पापा की वजह से आपको तकलीफ पहुंची, इसलिए माफी मांगती हूँ। वो तुम्हारे पापा हैं? हाँ, मामा की डेथ के बाद वो बीमार पड़ गए। आप उन्हें माफ कर दीजिएगा और दुआ कीजिएगा कि वो ठीक हो जाए। Wait, 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 wait a second, Mr. Husband. Now, tell me this. जब वो यहाँ आया था, तो तुम्हारे चेहरे से क्यों घबराहट निकल रही थी? यार ये तुम्हारा हाथ ना, पेट में से नहीं, सर में से निकलना चाहिए था। What is wrong with you? Have you lost it? अजीब शक्की आदमी यार तुम। ओहो मोंटी, गोवर्धन भैया पहले से ही इसे जानते हैं। खबरदार जो आइंदा कभी रोमी के बारे में इस तरह की बातें की तो। देखिए, पूजा बेटी की कंडीशन एब्सोल्युटली नॉर्मल है। मैंने उसकी सारी मेडिकल रिपोर्ट देखी है। रिपोर्ट्स आर एब्सोल्युटली नॉर्मल। उसको इस हॉस्पिटल में फर्दर ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं है। यू कैन टेक हर होम। जीवे नाल मुरादा दी मंगल होए, रब वर का आसरा तेरा जी मंगल होए। आ पुत्र आ। ना ना बेटा ना, बाया पाँव नहीं जी, दाया पाँव। बेटा रिवाज है, जब पति पत्नी पहली बार घर आते हैं तो दाया पाँव ही अंदर रखते हैं, शकुन के लिए अच्छा है। बीजे, पूजा पहले घर आती थी तो पूरे घर में जान आ जाती थी। आज यूं आई है, लगता है जैसे आई नहीं है। समाना इतनी तेजी से बदल रहा है, मुझे तो डर लगता है। गोवर्धन जी, तुम जाओ। एक काम कर बेटे। हाँ जी। जल्दी से एक अच्छा सा लड़का ढूंढ के जानवी की शादी कर दे। बीजी, आप ही की लड़की है, आप ही लड़का ढूंढ लीजिए। मैं तो कल ही शादी करवाने के लिए तैयार हूँ। इतनी भी क्या चलती है, पूजा ठीक हो जाए उसके बाद ढूंढना। हाँ हाँ, शादी तो हम पूजा की तबीयत ठीक होने के बाद ही करेंगे, मगर सगाई तो हो सकती है। ओहो, वैसा एक लड़का है मेरी नजर में। अरे गोली मारी उस लड़के को। मैं हूं ना, मैं लड़का ढूंढूंगा। आखिर मेरी भी तो कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है इस घर की तरफ, और हो सकता है कि शायद ऑलरेडी कोई लड़का उसे पसंद हो। अरे बेटा, ऐसी कोई बात होती तो मुझे बताती जरूर। कैसे बताती सर आपको? रोमी ठीक कह रहा है। अच्छा तो बेटा, एक काम करो, पता करो कि उसे कोई लड़का तो पसंद नहीं है। अगर नहीं तो ये जिम्मेदारी मैं तुम्हें सौंपता हूँ, उसके लिए एक अच्छा सा लड़का ढूंढो। रोमी जी, आज तुम्हारे डैडी ने मुझे एक जिम्मेदारी सौंपी है। क्या? कि तुम्हारे लिए एक मेरी तरह अच्छा लड़का ढूंढो। अच्छा एक बात बताओ, तुमने अपने लिए कोई लड़का पसंद किया है? Sure? मुझे ऐसा क्यों लगता है कि तुम अपनी फैमिली की मर्जी से नहीं, अपनी मर्जी से शादी करोगी, है ना? जी नहीं है? मैं अपनी शादी अपनी फैमिली की पसंद से करूंगी। लेकिन तुम्हारी जिंदगी का फैसला तुमसे अच्छा कौन कर सकता है? वो मेरे बड़े हैं रोमी जी, और मेरी जिंदगी का फैसला कुछ सोच समझ के ही करेंगे ना। और आपको क्या लगता है, वो मेरी शादी किसी ऐरे गहरे से कर देंगे? लेकिन ये तुम्हारी जिंदगी है, जिसे तुम प्यार नहीं करती, जिसे तुम मोहब्बत नहीं करती, उसके साथ पूरी जिंदगी कैसे बिताओगे? आप तो इतने सीरियस हो गए। मैं अपने घर वालों से खुशी नहीं छीन सकती। तो मैं घर वालों की खुशी की पड़ी है, और मेरी खुशी की कोई फिक्र नहीं। आपकी भी राय पूछी जाएगी रोमी जी, आफ्टर ऑल आप इस घर के बड़े दामाद हो ना, और दूल्हा चाहे कोई भी हो, लेकिन मेरी शादी में गाना आप ही गाएंगे, गाएंगे ना? अच्छा बताओ कौन सा गाना गाएंगे? ओके वन मिनट।
I'm waiting. तुका घुता स्वाई हाँ तुका प्रिय करता ओ ये 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 Do you know that I love you? Oh yeah, yeah, yeah. Oh hell, what am I saying, yeah? That I love her? Forget it. प्यार प्यार क्या होता है ओ छोड़िए ये प्यार खेल है कुछ नहीं प्यार को मारो गोली ओ ये 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 Why do I have tears in my eyes? Why the hell should I cry? Why this happens to me? ना करो कि कभी कम ना पड़े पर साला कम पड़ ही जाता है रूमी जी अगर आप ये गाना गाएंगे तो बाराती तो भाग जाएंगे ना वो हो रहा है और जो होना चाहिए वो नहीं हो रहा है और तू थूक रहा है अरे मेरी बात समझ यार मैं टेंशन में हूं मेरे साथ ऐसा क्यों होता है क्यों होता है मेरे साथ जो होना चाहिए वो नहीं होता और जो नहीं होना चाहिए वो होता है समझ रहा है तू देख भाई जिस तरह भूखा रहना खाने की बात नहीं है वैसे ही ज्यादा बोलना समझाने की बात नहीं है अब तू मेरे को समझा रहा है तू बैठ मैं तुझे समझाता हूं बैठ कमोड है कमोड पे बैठ तू जानवी का प्रॉब्लम ये है बोल कि जब मैं उसको कुछ बोलता हूं तो वो समझती है रोमी बोल रहा है अरे जबकि रोमी नहीं यार मैं बोल रहा हूँ अब वो बोला तो जब मैं उसको अपनी कोई दिल की बात बताता हूँ तो वो समझती है कि रोमी बोल रहा है अरे जबकि रोमी नहीं बोल रहा मैं बोल रहा हूँ यार क्यों मैं रोमी नहीं हूँ मैं हूँ अरे मैं रोमी हूँ लेकिन मैं रोमी नहीं हूँ मैं हूँ अबे तीन घंटे से तो मैं कर रहा है बकरा ईद के दिन काट दिया जाएगा चल हो गया रे बाबा जाने देना खाना खाते हैं अरे जब भी मैं उसको अपनी दिल की कोई बात बताता हूँ तो मुझे कैरेक्टर नहीं समझती है अरे क्यों समझती है कैसे समझती है अरे तू जानता है यार मेरे में कितना कैरेक्टर है आज मैं उसको सब कुछ क्लियर कट बता दूंगा क्या बता देगा कि मैं हूँ वो है तू है हाँ तो मैं ही हूँ ना हाँ ये भी बोल दूंगा हाँ बोल देना फिर क्या होगा तेरी असली जान के तेरे को बहुत प्यार करेगी अरे तेरे को नफरत करेगी नफरत बाद में मेरे को बोलना नहीं अरे अपने में लड़की सपने में क्यों मिलती असलियत में क्यों नहीं मिलती बोलना नहीं मेरे को और फिर वो महेश शेरवानी वो तो तेरी रिकॉर्डिंग ही कैंसिल कर देगा फिर घर में बैठ के मंजीरा अरे तू रहने ना यार वैसे आवाज के लगे ले ए अगर तू मिसेस गुडी ना होती तो मुझसे क्या बोलती मैं हाँ अगर मैं मिसेस गुडी ना होती क्या बोलती अगर मैं मिसेस गुडी ना होती तो यही बोलती कि राज हाँ माय सन मेरा सोच अरे तेरी पहली रिकॉर्डिंग हो रही है तेरा गाना सुपर हिट हो रहा है अरे गली गली में तेरे गाने बज रहे बज रहे गांव गांव में तेरे पोस्टर लग रहे लग रहे अरे बच्चे तो बच्चे नाच रहे ले। यस। अरे तू सुपर हिट हो गया प्रेस में तेरे फोटोग्राफ छप रहे ले। लड़कियां ले रही है तेरे ले रही है मेरे ऑटोग्राफ गाड़ी बंगला यस सेक्रेटरी यस और तेरे सपनों की मलिका तेरी ड्रीम गर्ल भी तुझे मिल जाएगी रे मिलेगी ना मुझे अरे बोलो बोलो भाई साहब मेरे मालिक मेरे अन्नदाता मेरे फाइनेंस दाता रोमी बोल रहा हूँ
अरे एक ही बात है दामाद जी, बोलिए बोलिए क्या खबर है? अनु मलिक जी आ गए। अरे सब तैयारियां हो गई है, अनु मलिक जी भी आ गए कंपोज करने, और समीर जी भी आ गए गाना लिखने, और पब्लिसिटी भी बड़े जोरों से हो रही है। अभी देखना 10 लाख कैसेट बना के तो इंडिया में फेंकेगा मैं, और 20 लाख कैसेट फॉरेन में फेंकेगा। रिकॉर्डिंग कब है? अरे कल है यार मालिक, कल 2 बजे आप स्टूडियो में आ जाना। ओके। पकड़ लिया, नहीं छोड़ूंगा। अरे पागल है क्या? पागल था नहीं, पागल तूने बना दिया, अब पहचान नहीं रहा है? अरे बेवकूफ बनाकर मेरे 2 लाख रुपए तू खा गया ब्याज काट के। अरे तेरी वजह से दुनिया ने मुझे पागल समझा, मुझे इलेक्ट्रिक शॉक दिए गए। कभी इलेक्ट्रिक शॉक खाया है? आंखों के सामने अंधेरा हो जाता है, जिस्म का हर इलाके से धुआं धुआं निकलता है। नहीं जाने दूंगा मेरे पैसे दे। सॉरी मामू। मामू अब पहचान गया तूने ऐसा मेरे साथ क्यों किया, मेरे साथ ऐसा क्यों किया, ब्याज काट के क्यों किया? मामू मेरी भी मजबूरी थी, मैं आपके 2 लाख रुपए लौटा दूंगा। 2 लाख तो लूंगा और ब्याज भी नहीं छोड़ूंगा ब्याज काट के। ठीक है, ये लीजिए ब्याज के पैसे, मेरी बाइक की चाबी। ये तो हो गए ब्याज के पैसे, असल कब देगा ब्याज काट के? मामू क्या मैं अपने दोस्त के मामू को बेवकूफ बना सकता हूँ, धोखा दे सकता हूँ? मुझ पर भरोसा रखो मामू। रोना नहीं, ठीक है, पर छोड़ूंगा नहीं ब्याज काट के। आज मोटरसाइकिल से घर जाऊंगा। ए लल्लो मोटरसाइकिल छोड़ ब्याज काट के। क्या है बे? क्या बे का मतलब? मेरी मोटरसाइकिल है, बाइक पे बैठने का पैसा ले लूंगा ब्याज काट के। क्या बोला, ये तेरा जमा है? नहीं तो क्या तेरे बाप की बाइक का ब्याज काट के? क्या बे, वो यमा तेरा नहीं था? मेरा नहीं था, उसने मुझे 2 लाख के बदले में ब्याज दिया था, ब्याज काट के वो मोटरसाइकिल। क्या उसने तेरे को भी शिंडी लगाया? शिंडी वैंडी रैंडी सब लगा गया, मैं बर्बाद हो गया ब्याज काट के, मेरे 2 लाख रुपया खा गया ब्याज काट के। तुमने मुझे मारा था, तुम सब मिलकर अगर उसको मारोगे मैं पूरे 500 रुपए दूंगा ब्याज काट के। 5,000, 10,000, 20,000, 50,000, 1,00,000 दूंगा, उसके हाथ पांव तोड़ दो ब्याज काट के। घबरा मत, उसने पहले भी मेरे को 2 बार शिंडी लगाया है, एक बार हाथ में आ गया ना आगे पीछे का सब हिसाब बराबर कर दूंगा। क्या? ब्याज काट के। ब्याज हाँ, काट के। चल जा रही हट नट खटना खोल भैया। अरे मास्टर जी याद आ गया, राजू नाम है तुम्हारा? रोमी नाम है मेरा। क्या है मेरा नाम? रोमी। हाँ। पर जरा हमें इतना याद दिला दो, हम तुमसे कहाँ मिले थे? आप लोकल ट्रेन में सफर कर रहे थे लेडीज कंपार्टमेंट में, वो भी बिना पैजामे के। टीसी ने आपको पकड़ा और पुलिस वाले ने आपको इतने डंडे मारे हैं कि मैंने आपकी जमानत दी है। भैया ऐसा हुआ था? जी हाँ मास्टर जी। आप जाए, मुझे रूमी से कुछ जरूरी बातें करनी है। तुम जानती हो ये क्या है? पावर ऑफ अटर्नी, जो आज तुम्हारे फादर ने मेरे नाम कर दी। इसका मतलब ये हुआ कि आज के बाद तुम्हारे घर, तुम्हारे ऑफिसेस, तुम्हारे बिजनेसेस, तुम्हारी प्रॉपर्टीज, इन सब का मालिक मैं हूं। अरे यार मैं तो तुम्हारे फादर को बहुत स्मार्ट और एक अच्छा बिजनेसमैन समझता था, लेकिन तुम्हारे फादर तो बहुत बड़े बेवकूफ निकले। अरे अगर मैं चाहूं ना मैं तुम्हारे पूरे परिवार को रास्ते पे ला सकता हूं, और तुम्हारे बाप के हाथ में भीख का कटोरा थमा सकता हूं। पूजा बेटी बोलो ना, हाथ उठाने को ट्राई करो, कम ऑन, कोशिश करो पूजा, प्लीज पूजा, प्लीज कम ऑन पूजा, कम ऑन, हाथ उठा मेरी बच्ची, कम ऑन प्लीज। कौन सा हाथ उठाया था? राइट हैंड सर। ट्राई पूजा, कम ऑन ट्राई, गो कम ऑन पूजा, हाथ उठा पूजा, कोशिश करो। इसमें डिप्रेस होने की कोई बात नहीं है भरत, इनफैक्ट ये हमारे लिए गुड न्यूज है। अच्छा? बिकॉज आई सी सम मूवमेंट इन पूजा एंड दैट्स अ गुड साइन। मैं यहां सिंगर बनने आया था, पैसे कमाने आया था, इसीलिए मुझे तुम्हारे सहारे की जरूरत पड़ी, लेकिन अब तुमको और तुम्हारे डैडी को जिंदगी भर मेरे सहारे की जरूरत पड़ेगी। तुमने मुझे चांटा मारा ना, अब मैं इस चांटे की गूंज तुम्हारे पूरे परिवार को जिंदगी भर तक सुनाऊंगा।
तुम्हारे पूरे परिवार को रास्ते पे ले आऊंगा और तुम्हारे बाप के हाथ में भीख का कटोरा देके भीख मांगूंगा। अरे मारना चाटा, मारना चाटा, मारो ना चाटा मुझे, अरे मारना चाटा। पूजा, चाटा मारो, गाली दो, कुछ भी करो, लेकिन जाग जाओ, देखो नहीं बनना मुझे मालिक, नहीं बनना मुझे मालिक। सब कितने खुश हुए थे, कितने खुश होते सब जब तुम्हारा हाथ उठा था। अब उनकी उदासी मुझसे देखी नहीं जाती। प्लीज जाग जाओ, प्लीज जाग जाओ ना पूजा। नहीं उठोगी तुम, नहीं उठोगी, मत उठो। मैं अभी जाके सबको बता दूंगा कि मैं रोमी नहीं, मैं राज हूं। उसके बाद भले कोई मुझे फ्रॉड कहे या जेल भेजे, कोई परवाह नहीं मुझे, क्योंकि इसकी जिम्मेदार तुम होगी, सिर्फ तुम। मिलके हुस्न वालों ने, अरे आप यहाँ, वेलकम। वेस राज, राज कौन राज? अब्दुल, राज कहाँ है? या अल्लाह क्या होगा, राजू तो मर गया, राजू तो बेमौत मारा गया आज। शट अप अब्दुल, देखिए देखिए वो बेकसूर है। जस्ट टेल मी वेयर इज राज। अब मैं मानता हूँ शुरू में उसने जो कुछ भी किया सिंगर बनने की ख्वाहिश से किया, मैं मानता हूँ, लेकिन अब वो आपके प्यार के खातिर रोमी की एक्टिंग कर रहा है। सच कहता हूँ, अल्लाह कसम वो आपसे बहुत प्यार करता है। सच्चाई तो यह कि वो आपका जीजा नहीं, वो पूजा का जीजा बनना चाहता है, आपसे बहुत प्यार करता है। देखिए आज उसकी पहली रिकॉर्डिंग है, प्लीज आज उसको माफ कर दे। कल मैं खुद उसको पकड़ के आपके सामने लेकर आऊंगा, वो समझता क्या है। आज उसको अब्दुल, राज कहाँ है? वो रोती थी। वाह वाह वाह, देखा वाह, क्या गला है, क्या गला है महेश जी। उसने गाया नहीं, वाह वाह शुरू कर दिया आपने। अरे सुनो तो सही, वो खगारता भी कितना राग में है, कितना सुर में है। भाई जी एक मिनट जरा कुछ सुनाइए प्लीज। दिल 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 दिल, वाह, थोड़ा 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 नीचे से, थोड़ा नीचे से। दिल दिल दिल, मजा आ गया। अरे महेश जी एक मिनट, ऑक्टेव लो, थोड़ा नीचे से गाइए, थोड़ा नीचे से। अरे अनुज जी समझा करो, वो दामाद है, वो नीचे से, आप बोलो तो मैं नीचे हो जाता हूँ। चलो ना शुरू करो। महेश जी आप कमाल की बात कर रहे हैं, मैं कह रहा हूँ कि वो थोड़ा सुर, जो सुर जिसपे गा रहा है वो थोड़ा नीचे से गाए, और आप ऐसे ही नीचे बैठ रहे हैं, कमाल कर रहे हैं आप। आप कमाल कर रहे हैं यार, वो दामाद है, वो नीचे नहीं आएगा, वो हमेशा ऊपर ही रहेगा। तुम गाओ यार। दिल 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 दीवाना दीवाना, दिल दिल कट कट, दिल दिल कट, दिल दिल कट। क्या गा रहा है? तू का गोता स्वे, हम तो का प्रीत करता, दिल 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 दीवाना दीवाना। प्यार 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 में पागल पागल, ऐसे क्यों लगता था कि तुम मुझसे कुछ कहना चाहते हो?
बोलो ना अब क्या करे, या तो जिए या तो मरे। बोलो ना अब क्या करे, या तो जिए या तो मरे। सिग्नल है कि आपने मेरी बात सुन ली। मेरी एक बात और सुन लो, पूजा को अपने पैरों पर खड़ा कर दो। मिसेस गुरिन हमेशा कहती है
दूसरों के लिए कुछ मांगो तो बहुत जल्द मिल जाता है। आज के बाद मैं आपसे कुछ नहीं मांगूंगा, बस पूजा को जिंदगी दे दो, पूजा को जिंदगी दे दो। जानवी, जानवी मेरी पूजा ठीक होगी, पूजा पूजा मेरी पूजा 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 तू ठीक हो गई, तू ठीक हो गई पूजा, तू ठीक हो गई यार, वो हैप्पी। रोमी बेटा, पूजा ठीक हो गई, हमारे गम में तुम हमेशा हमारे साथ रहे हो, इस खुशी के मौके पर भी साथ। आओ आओ। मम्मी, दीदी क्यों रो रही है? ये तो हमें चुप कराया करती थी, आज खुद रो रही। इतने दिनों से अपने आंसू रोक के बैठी है ना, रो लेने दो इसे। ना रो बेटा। डैड। पूजा, देखो तो मैं किसे साथ में लाया हूँ। चलिए चलिए, ज्यादा एग्जर्शन ठीक नहीं है, पूजा को जरा रेस्ट करने दीजिए। ऐसी कोई बात नहीं है, देखो थोड़ा दिन के लिए वो सो रही थी, अभी उठ गई। माँ जी, एक दो दिन में हमारा पूजा बेटी विल गेट अप एंड स्टार्ट रनिंग। इसे आराम करने दो, चलो चलो। सुनिए जी, आप कहाँ जा रहे हैं? आप तो रुकिए। हाँ हाँ, तुम यही रुको, that's better। तुमने मुझे क्यों बचाया? तुमने मुझे क्यों बचाया? अगर तुम मेरी और मेरे डैडी की जान बचाने के लिए रोमी की एक्टिंग कर सकते हो, तो क्या मैं तुम्हारे करियर बचाने के लिए तुम्हारी बीवी की एक्टिंग नहीं कर सकती? तुम्हें रेस्ट की जरूरत है, तुम्हारा हस्बैंड तुमसे बाद में मिलने आएगा, ओके? थैंक यू, यू आर द ग्रेटेस्ट। कल तक जो अजनबी था, दिल आज उसी को चाहता है। जिंदगी देने वाले तुझ पे, मर जाने को जी जाना है। ओ गॉड, हम दोनों बहनों ने धोखा खाया भी तो एक ही आदमी से। यू आर सच अ ब्लडी लायर, तुम रोमी हो, पूजा की पति हो। अब मैं पूजा को क्या मुंह दिखाऊंगी? मिस गुडिनो की कसम, मैं रोमी नहीं, मैं राज हूँ। डोंट टच मी, अभी भी तुम झूठ बोल रहे हो। तुमने क्या सोचा था पूजा तोड़ने नहीं वाली, इसलिए मैं जानवी को पकड़ लेता हूँ। ओह गॉड, इतना बड़ा धोखा, थैंक गॉड मेरी और तो बहने नहीं। अरे मासी जी, तानपुरा छोड़ो, इधर आओ। जरा बताओ, याद आया मैं कौन हूँ? हाँ, हम तुमसे कहीं मिले हैं, याद आया। सुनो, तुम रोमी हो हमारे दामाद जी। अरे नहीं यार, मैं तुमसे म्यूजिक कंपनी में मिला था। हाँ हाँ, याद आया। सुनो, हम दोनों ने शो में एक साथ डांस किया था, हमारा नारा। अरे यार, तुम बैठो और तन पूरा बजा। हम जान दे दियो, मैं जा रही हूँ। प्लीज मत जाओ ना। तुम ना, तुम बहुत बड़े रोमी हो। नहीं, मैं बहुत बड़ा रोमी नहीं हूँ, मैं बहुत बड़ा राज हूँ, सिर्फ राज, who loves you। नहीं, तुम रोमी हो। अगर तुम्हें मेरा यकीन नहीं तो अपने बाबा से पूछ लो। क्या हुआ रोमी बेटे? गोर्धन जी, आप इसे बताइए ना मैं कौन हूँ। रोमी है हमारा दामा, तेरा जीजा। अरे नहीं, जानी 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 प्लीज जानी। क्या हुआ जानी? प्लीज क्या हुआ? अरे आप सच बताओ ना मैं कौन हूँ। सच बता दूँ? हाँ सच बताओ। रियली रियली? ओके ओके बेटे, ये रोमी नहीं है, ये राज है। क्या? ये राज है, ये तो मेरे कहने पे रोमी बना था। लेकिन पूजा ने तुम्हें रोमी क्यों बोला? हाँ, ये बात तो मेरी भी समझ में नहीं है। अरे दो दिन में मेरा एल्बम निकल रहा है, मेरा करियर बचाने के लिए। या दैट्स राइट, लेकिन तू इसको इतना कन्विंस क्यों कर रहा है कि तू राज है? क्योंकि हम एक दूसरे से प्यार करते हैं। क्या क्या क्या
हम एक दूसरे से प्यार करते। अब आप इसमें कोई प्रॉब्लम मत खड़ी कर देना। नहीं नहीं, मेरी तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। पापा, आई लाइक हिम वेरी मच। Yeah, I like him too. I like him too. I like him too. अरे जिसे मैं पसंद करता हूँ उसे मेरी बेटी भी पसंद करती है। इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है? हाथ छोड़ो, हाथ छोड़ो, संयम में रहो प्लीज। राजू, देखो तुम अच्छी तरह से जानती हो मैं रोमी नहीं राजू हूं। मैं जा रहा हूं, अब हमारी मुलाकात नहीं होगी। अपना ध्यान रखना और गाड़ी आहिस्ते से चलाना। मेरा एक्सीडेंट होना और तुम्हें मुझे बचाना इस बात का सिग्नल है कि मुझे अब तुम्हारे साथ एक लंबी जिंदगी जीनी है। लेकिन तुमने कैसे पहचाना? तुम्हारा परफ्यूम। परफ्यूम? हाँ। अच्छा बताओ, अचानक बिना बताए तुम कैसे चली आई? एक पत्नी अपने पति से मिलने नहीं आ सकती? आ सकती है, आ सकती है। अच्छा ये बताइए, साली साहब नहीं आई? साली साहब घर में तैयारी कर रही है। क्या तैयारी? हाँ, आज हमारे घर में पार्टी है और ये रहा तुम्हारा ड्रेस। लेकिन मेरे पास कपड़े हैं। नहीं नहीं, क्या है कि आज पार्टी का ड्रेस कोड है फ्यूजन। ओह, इंडियन वेस्टर्न। पर तुम उधर 8:30 बजे पक्का पहुंच जाना। ओके ओके, हम सब तुम्हारा इंतजार करेंगे। हाय गर्ल्स, एंजॉयिंग योरसेल्फ? व्हाई डोंट यू डांस? लो रोमी आ गया। आपने भी देर कर दी आने में। कुत्तों ने मुझे दूसरी तरफ दौड़ा दिया। नहीं नहीं, आप बहुत अच्छे लग रहे हैं। आप भी बहुत अच्छी लग रही है। सब लोग आपका इंतजार करें, आइए ना। मैं भी आया। जानवी, जानवी, जानवी इधर आना। इसीलिए तो मेंटेन कर पाती हूँ अपनी फिगर को। हाय। आज आप कमाल की खूबसूरत लग रही है, जो देख ले अपनी नजर नहीं हटा पाएगा। सच? मैं इतनी खूबसूरत लग रही हूँ? झूठ बोल रहा है, मैंने उसको खरीदने के लिए कहा ही नहीं था। ओहो, देखिए तो रोमी क्या कह रहा है। क्या जी? मैं ये कह रहा था कि मिसेस गुडिनो हमेशा कहती हैं कि जो चीज़ अच्छी लगे उसकी तारीफ जरूर करना। वैसे ये अंदर की फीलिंग है कि ये जोड़ी एंड तक बहुत अच्छी रहेगी। ओहो, अब आप झूठ बोल रहे हैं। जी नहीं, मैंने दोनों ही बार सच बोला है। ये अंदरूनी फीलिंग है ना, दिल कभी झूठ बोलता नहीं, माइंड वही फीलिंग। अरे बेटी का तो जवाब नहीं है आपकी, लेकिन आपका जो दामाद है ना, वो तो हीरा है हीरा। हाँ, लेकिन खुददार बहुत। हाँ। अब पूजा पूरी तरह से ठीक हो गई है, सोचता हूँ एक दो रोज में उसे विदा कर। अरे आइडिया अच्छा है। ये क्या कर रहे तुम? किसी ने अगर अगर डैडी ने देख लिया तो बीजी क्या सोचेंगी? पूजा ने देख लिया तो रामू काका क्या समझेंगे? यही ना क्या? इतनी दूर क्यों खड़े हो तुम? और पास आओ। हाँ? और पास। हाँ? और पास। हाँ? डैडी आ गए, डैडी आ गए। आए। वो मजाक कर रही है। अरे मेरा बातें खत्म हो जाए तो जरा नीचे आना जी, लोगों से मिलवाना है। क्या कर रहे हो तुम लोग? कोई देखेगा तो क्या सोचेगा? क्या करें, कंट्रोल भी तो नहीं होता है। क्या क्या कल सुबह मैं सबको साफ साफ बता रहा हूँ ना कि मैं रोमी नहीं राज हूँ। और थोड़े संयम में रहो।
काबू में रहो, ठीक है? कम ऑन मोंटी, तुम्हारी शादी जानवी के साथ ही होगी, ओके? नहीं होगी। फिकर मत करो, नहीं होगी, बोल दिया ना। आप भी ना, हमेशा फोन पे लगे रहते हैं। क्या कर रही हो? मैं न्यूयॉर्क जी से बात कर रहा था फ्लाइट के बारे में। बेबी मोंटी, मैं कल या परसों अच्छा वक्त देखकर भाई साहब और जानवी से तुम्हारी शादी की बात कर लूंगी, ठीक है? नाउ गेट इनटू मूड।
नमस्ते नमस्ते। पकड़ लिया। यही है वो राजू जिसने मुझे 2 लाख रुपए लिए, सरकारी बस स्टॉप भेज दिया ब्याज काट के, मुझे भागल बना दिया ब्याज काट के। पकड़ो इसको, पुलिस को बुलाओ, मुझे करंट दिया करंट। इसको जाने मत, इधर खड़े हो जाओ, इधर खड़े हो जाओ तुम। आपका भी कुछ नहीं बोलोगे तुम, आपका भी ब्याज काट दे। चुप, तुम रोमी नहीं हो, राजू हो, जवाब क्यों नहीं देते? तुम रोमी हो या राजू? इतना बड़ा धोखा दिया तुमने, हमारे जज्बात के साथ खिलवाड़ किया तुमने। तुमने ऐसा क्यों किया? क्यों किया तुमने? हमारे प्यार का ये सिला दिया तुमने? ओफो, क्या यही सिखाया मिसेस गुडिनो ने तुम्हें? जरा बुलाओ तो उन्हें, हम भी देखते हैं क्या ऐसे धोखा दिया जाता है। एक झूठ और कहा है मैंने आपसे, कोई मिसेस गुडिनो नहीं है। जब मैं 6 साल का था, मिसेस गुडिनो मुझे छोड़कर चली गई, मतलब मर गई। आती मुझसे कभी कभी मिलने, मेरा ख्याल रखने, लेकिन जब से आप लोग मेरी लाइफ में आए, मिसेस गुडिनो मुझसे मिलने नहीं आई। शायद सोचा होगा कि अब राजू को अपना फैमिली मिल गया है, अब मेरी क्या जरूरत। ऐसा थोड़ी ना होता मिसेस गुडिनो, ऐसा थोड़ी ना होता, जरूरत है, बहुत जरूरत है। अगर मिसेस गुडिनो यहां पे होती तो मुझसे ये कहती, राजू माई सन, इतना करना कि कभी कम ना पड़े। लेकिन साला कम पड़ी जाता। नहीं जाना, तुझे पर्दे लेने ही पड़े। क्या हुआ? डैडी रोमी ऐसे क्यों चला? पूजा, तुम जानते थे कि वो रोमी नहीं राजू, इसके बावजूद तुमने उसका साथ दिया? हाँ मैंने उसका साथ दिया, क्योंकि वो एक बहुत अच्छे दिल का लड़का है। उसने रोमी बन के क्या किया ये सोचे, वो रोमी बन के क्या कर सकता था? वो मेरा पति बना रहा, लेकिन कभी गलत नजर से मुझे नहीं देखा। और बाबा आप तो सब जानते फिर भी, और डैडी आपने तो उसे पावर ऑफ अटॉर्नी तक दे दी थी ना, अगर वो चाहता तो पूरी दौलत पे कब्जा कर सकता था। दौलत का लालची तो वे रोमी था, जिसके खातिर मैं आप सबको छोड़ के चली गई थी शादी करने, और वहां जाके पता चला कि वो मुझसे नहीं मेरी दौलत से प्यार करता है। रोमी के लिए तो मैं अपनी जान देने गई थी, राजू ने तो मेरी जान बचाई है, और आपने उसी राजू के साथ ऐसे सलूक किया, आपने अच्छा नहीं किया डैडी, आपने अच्छा नहीं बेटी। इतना करो कि कभी कम ना पड़े। फिर भी कम पड़ी जाता है। हाँ, पड़ी जाता है। ये मेरा बचपन का दोस्त है आपा। नमस्ते। राजू, तुम्हारे पास फैमिली नहीं थी, और मेरे पास बेटा। क्यों मेरे प्यार का तुम इम्तिहान लेते हो? तुम मेरी जान हो, क्यों मेरी जान लेते हो? डैड, जैसे आप पूजा पे गुस्सा हुए थे, वैसे प्लीज मुझ पे मत होना। राजू मुझसे प्यार करता है, वो मुझसे शादी करना चाहता है,
डैड प्लीज, अगर उसने मुझसे शादी नहीं की तो वो मर जाएगा डैड। सारा बिल मुझ पे फाड़ोगी क्या? ओहो राजू, तुम समझते क्यों नहीं हो, वो मेरे डैड है, मैं उनको कैसे बोल सकती हूँ कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। अच्छा अगर तुम जान भी होते तो तुम क्या बोलते? मैं उनसे कहता, डैड इज अ वेरी नाइस बॉय, आई लाइक हिम। और डैड क्या बोलते? आई लाइक हिम टू। तुम्हें सच्ची लगता है डैड ये बोलेंगे? 100%। तो फिर मैं भी जाके डैड को बोलती हूँ। वो जा। डैडी। क्या है? राजू। क्या? मतलब तो? हाँ डैडी। मुझे पता नहीं चला कि मुझे राजू से कब प्यार हो गया। समझ क्या रखा है तुमने? शादी ब्याह कोई तमाशा है? हमारी हैसियत हमारे खानदान के आगे उसकी हैसियत क्या है? यही कहा था ना मैंने, जब तूने मुझे रूमी के बारे में बताया था। लेकिन अब नहीं कहूंगा मैं। डैडी। बस बेटा, मैं तेरे चेहरे पर हमेशा ये खुशी देखना चाहता हूँ। आज मैं भी बहुत खुश हूँ। मुझे तुझे ऐसी बात बतानी जिससे तेरे होश उड़ जाएंगे। मुझे भी तुझे ऐसी बात बतानी जिससे तेरे होश उड़ जाएंगे। अच्छा फिर तू अंदर तो चल, फिर बताती कौन किसके होश उड़ाता है। ओके कमाल, चलू पहले दरवाजा तो बंद कर। अच्छा तू बता। नहीं पहले तू बता। नहीं नहीं पहले तू बता ना। Well, I'm in love. क्या बात कर रही है? हाँ मैं डैड को वही तो बताने जा रही थी। अच्छा लेकिन मैंने तो डैड को क्या भी दिया। That I'm also in love. No way, yeah, baby. हम दोनों को प्यार और वो भी एक साथ। Of course. हमारी पसंद तो बचपन से एक है ना। तो फिर लड़के भी एक होंगे ना। नहीं 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 नहीं, एक जैसे हो तो ठीक है, पर एक नहीं होना चाहिए वरना कहानी में ट्विस्ट आ जाएगा। बताना। नहीं बताना जानू। नहीं पूजा। जानवी। पूजा। जानवी। पूजा। जानवी। He's so cute. He's so sweet. एक बात बताऊं, वो देखने में जितना अच्छा है उससे कई ज्यादा अच्छा इंसान भी है। ओ, जानू। अच्छा तू बता। नहीं नहीं मैं नहीं बताऊं। पूजा यार। नहीं यार पूजा। बताना। एक उम्र सी जी रही हूँ मगर अधूरी, अगर वो मिल जाए तो जिंदगी हो जाए पूरी। ओ माय गॉड, फुल पावर शायरी। अच्छा बताना। नहीं नहीं पूजा बताना। अरे नहीं यार, जैसे तूने मुझे सब बता दिया ना। पूजा क्या बताना। अरे ठीक है, उसका नाम है, नहीं बताऊंगी। पूजा। अच्छा अच्छा सुन सुन सुन, बिना कुछ कहे तू मुझे बता, मैं तुझे बताती हूँ। ओके 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 ओके, वेट वेट, 1 2 3। राजू। मोंटी। बेबी जानू, मुझे पता था कि तुझे मोंटी पसंद आएगा, वेस्टर्न एनआरआई है ना। लेकिन मुझे नहीं पता था तुझे राजू पसंद आएगा। ओ जानवी 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 जानवी, तू जानती नहीं राजू को, ही टुक मी आउट ऑफ कोमा। मैं तो होश में नहीं थी और जब होश आया तो जाना कि सच्चा प्यार क्या होता है। सच जानवी, अगर मुझे राजू नहीं मिलता तो मैं मरी जाती। यस सो लकी पूजा। जानवी तुझे राजू पसंद है ना? तुझे पसंद है, तुम मुझे पसंद है। ओ बेबी। शांत हो जा, शांत हो जा। बाबा। हाँ? आज माँ बहुत याद आ रही है। देख बेटा, हम तो बड़े नसीब वाले हैं। मैं तो सोच रहा था न जाने कितने जन्म लगेंगे सेठ जी का कर्जा चुकाने में, लेकिन देख भगवान ने हमको ये मौका इसी जन्म में दे दिया। बाबा मैं पूजा के लिए राजी तो क्या अपनी जान दे सकती हूँ? मैं तो हमेशा डैड, डैड
एक बेटी का दिल तो टूट नहीं है। देख बेटी, तू फिक्र मत कर, मैं सब ठीक कर दूंगा। नहीं दाद, अभी अभी तो पूजा को नई जिंदगी मिली है। क्या आप नहीं चाहते पूजा खुश हो, तो फिर आप कुछ नहीं बोलेंगे, वरना मैं बहुत नाराज हो जाऊंगी, समझे आप? मुझे नहीं मालूम था कि मेरी बच्ची इतनी बड़ी हो गई। तुम मेरी बात सुनो। राजू तुम प्लीज मेरी बात। Just let me talk. No, you listen to me. No, you shut up and listen to me. बोलो। अरे बोलो ना। पूजा मेरे लिए एक सखी बहन से भी ज्यादा प्यारी है। और डैड तो बाबा से भी बढ़कर है। You know, उन्होंने मुझे एक बार भी एहसास नहीं होने दिया कि मैं एक अकाउंटेंट की लड़की हूं। उनके बहुत एहसान है मुझ पर। राजा, I want पूजा टू बी हैप्पी। मैं भी। मैं उसे खुश देखना चाहती हूँ। मैं भी। लेकिन उसे हमारे बारे में पता चल गया तो वो इस सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। इसलिए प्लीज तुम पूजा से शादी कर लो। क्या बोलिए, अब मैं बोलूं? मैं बोलूं? इधर आ। 19 साल की हो गई है तुम, मैं चाहता हूं कि तुम 100 साल जियो, और लेकिन अपने गुजरे 19 साल के लिए तुम अपने आने वाले 81 ईयर्स कुर्बान कर दोगी। 81 का मतलब जानती हो क्या है? शादी, हस्बैंड, बच्चे, बहू, दामाद, उनके बच्चे, ये सब कुर्बान कर दोगी तुम? अगर उन्होंने तुम पे एहसान किया है, 19 साल अपने घर पे रखा है, तो उन सबको यहां पे बुला लो, मैं उनको 19 साल एक दिन और रखूंगा। लॉजिक ही नहीं समझे। तुम मुझसे प्यार करते हो ना, तो फिर तुम प्लीज पूजा से शादी करो। अरे सुनो, मेरी बात सुनो, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं, तुम आबा से शादी कर लो, क्योंकि आबा के मेरे पे बहुत एहसान है, उसने मुझे 19 दिन अपने घर में रखा है, मैं उससे बहुत प्यार करता हूं। करोगी तुम उससे शादी? करोगी तुम उससे शादी? करोगी तुम उससे शादी? बोलो। आज तुम प्लीज पूजा से शादी कर लो। तुम मुझसे शादी करना चाहती कि नहीं? तो फिर मैं भी तुमसे शादी नहीं करना चाहता। अरे प्रॉब्लम ही शादी की वजह से होती है ना, मैं तुमसे शादी करूंगा ना मैं उससे शादी करूंगा। अब खुश? अरे रो क्यों रही हो? खुश रहो, जाओ, खुश रहो, खुश रहो, खुश रहो, खुश रहो। हाँ बाबा, डैडी, पूजा, ओके बाय बाय। हाँ गोवा, मुंबई, मुंबई गोवा। बेटी, तुम जानती हो तुम क्या कर रही हो? वैसे भी बाबा, there's no other way. एक बार फिर से सोच लो प्लीज। अगर मैं नहीं गई तो राजू पूजा से कभी शादी नहीं करेगा। तो कह रहा हूं मैं सारा इंतजाम और पूजा की सगाई करने जा रहे हैं ना। अटेंशन अटेंशन एवरीबॉडी, अटेंशन अटेंशन। मैं कैसे लग रही हूँ?
अरे तुम तो हर रूप में अच्छी लगती है। You are looking sweet. Thank you. ओफो, ड्रेस तो वो दूसरी वाली भी बहुत खूबसूरत है, उसे पहन के दिखाओ ना। ओके। अरे डार्लिंग देर हो रही है। हेलो। अब बताइए कि मैं इस ड्रेस में कैसे लग रही हूँ। पहले ऐसे करके दिखाना। अरे तू तो इसमें भी बहुत प्यारी लग रही है। बीजी, ओ बीजी, इसे तो राजू को दिखाना है, उसे इंप्रेस करना है। अरे जानवी को भी अभी जरूरी काम से जाना था क्या? वो ही मुझे सही बता सकती कि मुझ पे क्या अच्छा लगेगा और राजू मुझे कौन सी ड्रेस पसंद करेगा। अरे लो, राजू खुद ही आ गया। तुम बताओ ना, मैं कैसी लग रही हूँ? अच्छी लग रही हूँ। मुझे तुमसे कुछ कहना है। कहने की जरूरत नहीं, मैं जानती हूँ, लेकिन फिर भी तुम कहोगे तो अच्छा लगेगा। मुझे मैं तुमसे अच्छा राजू तुम ही बताओ, ये ड्रेस ज्यादा अच्छी लगेगी ना? इससे मुझे नहीं मालूम। ओफो पूजा, तुम पहनकर तो दिखाओ। चलो बेटा। जी माँ जी। हम तुम्हारे ही घर आ रहे थे पूजा का रिश्ता ले। अरे भैया पंडित जी अभी तक नहीं है, मैं देखता हूँ भाई साहब। हाँ। कितनी खुश है पूजा। बेटा पूजा की खुशियां अब तुम्हारे ही हाथों में हैं। भगवान तुम दोनों को सदा सुखी रखे। बीजी वो शगुन की नारियां कहाँ रखी आपने? आती हूँ आती हूँ। पड़ी गया ना, तुम हो या ना हो क्या फर्क पड़ता है? हेलो पूजा बेटी, मैं त्रिभुवन दास बोल रहा हूँ। तुम्हारी ज्वेलरी रेडी है, कब पहुंचा दूं? जी मैं जानवी बोल रही हूँ, आपने गलत नंबर डायल किया है। लेकिन मैंने तो पूजा बेटी का ही नंबर मिलाया है। जी नहीं, उस शायद मैं पूजा का फोन ले आई हूँ। आप प्लीज मेरे फोन पे फोन कर दीजिए, आपकी पूजा से बात हो जाएगी। हेलो हेलो जानवी, जानवी तुम ये क्या कर रही हो? तुम्हें पता है राजू की हालत क्या है? वो हम सबको छोड़ के हमेशा के लिए गोवा जा रहा है। कहता है मैं शादी करूंगा तो सिर्फ जानवी से, पूजा से क्यों करूं? और उसकी बात भी तो सही है, अरे तुम दोनों एक दूसरे को इतना प्यार करते हो फिर वो पूजा से शादी क्यों करे? फिर समझ में नहीं आता जानवी, तुम क्यों क्यों उसकी शादी पूजा से करना चाहती हो? क्यों? आज आपने साबित कर दिया कि बेटी और बेटी जैसी में क्या फर्क है। आपने उसी से ही क्यों कुर्बानी मांगी, मुझसे क्यों नहीं मांगी? बाबा आपने क्यों नहीं समझाया जानवी को, क्यों नहीं समझाया उसे? और आपने मुझसे कहा था ना कि आपका मुझे बचाना इस बात का सिग्नल है कि मुझे अब बहुत लंबी जिंदगी जीनी है, तो फिर आपने कैसे सोच लिया कि मैं मर जाऊंगी? मैं जिसे पसंद करती हूं उसे मेरी बहन पसंद करती है, मेरी बहन को उसका प्यार मिल जाएगा, इससे बड़ी और खुशी की बात क्या हो सकती है मेरे लिए? लेकिन आपने मेरी जानवी के साथ ठीक नहीं किया, नहीं किया ठीक मेरी बहन के साथ। आप सब लोगों ने उसके साथ लाइनसाफ किया। कहाँ है जानवी? बाबा मैं पूछ रही हूँ, जानवी कहाँ है? वो एक घंटे पहले अमेरिका गई। बाबा जब आपको झूठ बोलना नहीं आता तो क्यों झूठ बोलते हैं?
दिन में कौन सी फ्लाइट अमेरिका जाती है? आपको मेरी कसम बाबा, सच सच बताइए जानवी कहाँ है? तेरी शादी राजू से हो, इसलिए वो मोंटी से शादी कर रही है। मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम देवी सुधा, मंगलम सुंदरी कांति, मंगलम सुंदरी स्वाहा, मंगलम सुग्रम तदेव, तारामलम चंद्रमलम तदेव स्वाहा। आज बहुत जल्दी वो कल मार लेना यार। बहुत शेंडी लगा चुका है शाने, आज तेरे को छोड़ेगा नहीं। हमारे मजहब में प्याज खाना हराम है, ये मुझे आज पता चल गया है। किसी की मजबूरी का फायदा उठाना गुनाह है। तू भाग यहाँ से, मैं से भाग यहाँ से। तू भाग जा, हम चल चलते। कहाँ जाते हो तुम? मैं तुमको बताता हूँ। कन्या को मंगलसूत्र पहनाइए। उखत कुशवाई हाथों के प्रीत करता, ओ ये जिसके लिए वन चांस इन ऑल डू एनीथिंग। जानू, हाँ क्यों करी ये सब? बोल बोल ना। तेरे लिए स्टूपिड। क्यों? Because I love you and I hate you. I hate you. तो मेरी खुशी के लिए खुद की जिंदगी खो देना चाहती थी? हाँ I love you. I love you very much. अब आप वही खड़े रहेंगे कि यहाँ भी आएंगे? जी जय जी। Daddy loves you. Oh yeah yeah yeah. अब मुझे मारो, जितना चाहिए मुझे मारो। अटेंशन एवरीबॉडी, मैं सोच रही थी कि जानवी की रिसेप्शन में ड्रेस कोड क्या होना चाहिए। मेरे ख्याल से ड्रेस कोड होना चाहिए स्विमिंग कॉस्ट्यूम। पूजा, इस दुनिया में बहुत प्यार है, जरूरत है तो सिर्फ नजर उठा के देखने की। इंसान का इस दुनिया में आना इस बात का सिग्नल है कि कोई है जो सिर्फ उसकी खातिर इस दुनिया में आया है। हर दिल जो प्यार करेगा वो गाना गाएगा, हर दिल जो प्यार करेगा वो गाना गाएगा, दीवाना सैकड़ों में पहचाना जाएगा।